हेलो स्टूडेंट्स माइ सेल्फ दयाल चौधरी टीम सीएलसी केमिस्ट्री फैकल्टी केमिस्ट्री पंच अपन यहां पे देख रहे हैं उसका ये आपका पार्ट नंबर 15 पीरियडिक टेबल इससे पहले आप नोम no और सर के द्वारा देख चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन की अपनी यहाँ पर बात करते हैं ठीक है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इज वन एस टू टू एच टू टू पी सिक्स थ्री एच टू थ्री पी थ्री मतलब एक एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन अपने को दे रखा है वाट इज द एटोमिक नंबर है ऑफ एलिमेंट विच इज जस्ट बिलो द अबो एलिमेंट जो कॉन्फिगरेशन दे रखा है ना उससे जस्ट नीचे वाले एलिमेंट का एटोमिक नंबर क्या होगा वो आपको पूछा गया है क्लियर तो सिंपल सी चीज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख के आपको पहले तो उसका ब्लॉक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तो ब्लॉक देखो आप यहां पे ब्लॉक कौन सा है ये पी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन से पता चल जाएगा कि कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है उसके बाद में आपको देखना है कि इसका पीरियड क्या है तो जो वैल्यू है थर्ड राइट तो तो right? उसके बाद में आप ग्रुप आइडेंटिफाई करो तो पी ब्लॉक का ग्रुप आइडेंटिफाई करने का एक बिल्कुल सिंपल सा फंडा है वो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे आपको क्या करना है टेन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ देने ये ग्रुप आइडेंटिफाई करने का पैटर्न सिर्फ पी ब्लॉक के लिए है अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट होता तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उसका ग्रुप नंबर हो जाता राइट right? अगर आपका डी ब्लॉक का है तो एनएस इलेक्ट्रॉन प्लस एन माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन वो ग्रुप नंबर होता है ऐसे पी ब्लॉक के लिए आइडेंटिफाई करना हो तो टेन प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन एब ब्लॉक हमेशा ही थर्ड ग्रुप से होता है तो उसकी तो अपन बात ही नहीं करें तो अपने को पी ब्लॉक में है तो इसका ग्रुप आइडेंटिफाई करना हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो तो वैलेंस है लिए है थर्ड तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फाइव तो टेन और जोड़ दो इसमें कितना हो गया फिफ्टीन मतलब इसका ग्रुप हो गया फिफ्टीन तो इससे अपने को पता चल गया इसकी पोजीशन पता चल गई जो एलिमेंट है उसकी तो इसकी पोजिशन बना लो भाई फिफ्टीन ग्रुप आपको बनाना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एन इज गज टू वन एन इज गज टू टू एन इज गज टू थ्री एन इज गज टू फोर एन इज गज टू फाइव एन इज गज टू सिक्स

फॉस्फोरस का एटोमिक नंबर पता करना हो इन इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ लो कॉन्फिगरेशन वाले को तो इसका आपको पता चल रहा है यहां पे एटोमिक नंबर इसका कितना है फिफ्टीन है फिर पी ब्लॉक में मैजिक नंबर ध्यान रखो मैजिक नंबर फॉर पी ब्लॉक पी ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर क्या होता है भाई एट एट एटीन एटीन ऐसे ही थर्टी टू तो देखो यहां से यहां एट का डिफरेंस होता है तो ये तो गया ये फर्स्ट से सेकंड पीरियड में जंप के लिए ये सेकंड से थर्ड पीरियड में ये थर्ड से फोर्थ पीरियड में तो अपने को थर्ड से फोर्थ पीरियड में जंप करना है तो कितने का आएगा गैप एटीन तो इसमें क्या करो आप फिफ्टीन प्लस एटीन तो आपका कितना आ गया ये थर्टी थ्री तो इसमें आंसर आपका क्या आ जाएगा थर्टी थ्री या फिर जैसे ही आपको पता चला आर से नहीं गए मेरे हिसाब से अगर आपको एग्जाम में टाइम बचाना है तो आपको पीरियडिक टेबल में विद एटॉमिक नंबर चीजें याद कर लेनी चाहिए देखो सिंपल सी चीज़ है इनऑर्गेनिक आपका टाइम बचा सकती है कंपटीशन में और इसका एक ही तरीका है आप उन क्वेश्चन को लर्न कर लो कैसे बिल्कुल जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को आप एटॉमिक नंबर के साथ लर्न कर लो उनकी पोजीशन लर्न कर लो तो ये जो टाइम लग रहा है आपका वो बच जाएगा या फिर ये सिंपल सा फंडा है जिससे आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन एफ टू प्लस मतलब आपको फेरा साइन यहां पे दिया गया है जिसका एटॉमिक नंबर आपको जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर दिया गया है ट्वेंटी सिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ये कह रहा है कि ये जो भी दिए गए हैं नीचे और यहां पे एफ ही प्लस टू में जितने डी इलेक्ट्रॉन है उनके इक्वल नहीं होनी चाहिए यहां पे देखो डी इलेक्ट्रॉन तो सबसे पहले मैं आयरन की बात करता हूं एफ -E. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन देखो क्या होता है 1H2, 2H2, 2P6, 3H2, 3P6, उसके बाद में थ्री डी सिक्स फोर एस टू यही होता है अब आपको किसका देखना है यहां पे एफ ही प्लस टू का देखना है एफ प्लस टू का देखना है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा जो रिमूव होता है वो वैलेंस सेल से होता है वैलेंस सेल कौन सा है सबसे आउटर सेल यहां से इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन प्लस टू का मतलब दो इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दी तो कॉन्फिगरेशन क्या आ गया वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस हो गया जीरो ये इसका कॉन्फिग्रेशन हो गया किसका का अब यह कह रहा है कि इसमें डी इलेक्ट्रॉन है डी तो इलेक्ट्रॉन कितने भैया है? कितने हैं क्लियर अब यह कह रहा है इनमें कौन सा है जो इसके डी इलेक्ट्रॉन के बराबर नंबर नहीं रखता तो सबसे पहला कह रहा है पी इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन राइट right? क्लोरीन के अंदर है आपके पी इलेक्ट्रॉन क्या उसके डी इलेक्ट्रॉन के इक्वल है तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है यह आपका क्लोरीन दिया है तो क्लोरीन का कॉन्फिग्रेशन लिख लो वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू और थ्री पी फाइव ये पी के आगे तो पी इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर है? क्लोरीन में सिक्स तो ये रहे और फाइव ये रहे तो इसके अंदर पी इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इलेवन और आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि डी इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं है तो बिल्कुल इसका आंसर पहला हो गया राइट right? क्योंकि इसमें डी पी इलेक्ट्रॉन है इलेवन और इसके अंदर डी इलेक्ट्रॉन है सिक्स दूसरा अपन डी इलेक्ट्रॉन एड एफ अगर यह कह रहा है कि अगर फेरस प्लस टू आयन की बजाय मैं डी इलेक्ट्रॉन देखू किसमें आयरन में तो बिल्कुल अगर आयरन में भी डी इलेक्ट्रॉन में देखूं तो कितने हैं सिक्स हैं तो ये तो इक्वल हो गए अपने को वो देखना है जो इक्वल नहीं हो फिर मैं बात करता हूं नियन नियोन के अंदर बोल रहा है कि नियोन के पी इलेक्ट्रॉन तो नियोन का कॉन्फिग्रेशन क्या होता है 1H2, 2H2, 2P, 6. तो इसके अंदर पी इलेक्ट्रॉन सिक्स है ये भी डी इलेक्ट्रॉनों के इक्वल है मतलब ये भी आंसर नहीं है आंसर तो अपना पहला आ चुका है ऐसे, ऐसे एस इलेक्ट्रॉन बता रहे मैग्नीशियम में है तो बिल्कुल देखो मैग्नीशियम वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स और थ्री एस टू राइट ट्वेल्व नंबर पे आता है तो इसके अंदर देखें अपन कितने इलेक्ट्रॉन है एस में तो एस में दो इलेक्ट्रॉन तो ये रहे दो इलेक्ट्रॉन ये रहे और दो इलेक्ट्रॉन ये रहे टोटल कितने हो गए सिक्स इलेक्ट्रॉन हो गए ये भी डी इलेक्ट्रॉन के इक्वल है तो सिर्फ ये वाला आपका इक्वल नहीं है तो ये आपका आंसर हो गया राइट नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आता है

आयनिक बिल्कुल आयनिक रेडी आपने सिंपल सी चीज का ध्यान रखो जो साइज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है नंबर ऑफ शेल। क्लियर क्या आप यहां से ये भी सकते हो आर इज टू होगा आपने एटोमिक स्ट्रक्चर में फाइव टू नाइन इन टू एन स्क्वायर अपॉन

बिल्कुल तो जेड इफेक्ट कम हो रहा है तो साइज इंक्रीज होगी तो कुल मिलाकर के ये दोनों ही कंडीशन में अपन देखें साइज आपकी वो क्या हो रही है हो रही है तो आपका आंसर यहां पे जाएगा कौन सा थर्ड फिर आयनिक पोटेंशियल तो आयनिक पोटेंशियल का हमेशा ध्यान रखो आयनिक पोटेंशियल होता है यह भी आपका साइज के साइजर्सली होता है साइज बढ़ेगी तो आयनिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो नीचे जाने पे साइज बढ़ रही है और साइज बढ़ रही है इसका मतलब आयनिक पोटेंशियल कम होगा तो आपका यह आंसर भी क्या होगा गलत होगा तो यहां पे आंसर आप किसके साथ जाओगे थर्ड के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते इलेक्ट्रॉनिकेशनिप्टॉन फोर डी टेन फोर ए फोर्टीन फाइव एस टू फाइव फाइव डी डी ठीक है बिलोंग टू तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है अब आपको पूछ रहा है ब्लॉक कौन सा है तो मैंने सिंपल सी चीज बिल्कुल ब्लॉक पूछ रहा है ब्लॉक कौन सा है तो बिल्कुल सा आपको एक याद रखनी चाहिए ये चीज अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एन एस टू एन पी वन टू सिक्स आता है एलिमेंट आपका हमेशा पी ब्लॉक का होगा अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एन माइनस वन डी वन टू टेन एन एस वन टू और याद रखना एन माइनस टू एफ अब होना चाहिए तब वो आपका हमेशा किसका होगा ब्लॉक का होगा तब वो आपका हमेशा किसका होगा ब्लॉक या दूसरे अपन ये कह सकते हैं एन माइनस टू एफ कंप्लीट हो एन माइनस वन डी आपका टू से टेन हो ध्यान से देखना भाई वन से टेन नहीं टू से टेन हो और एन एस आपका वन टू हो तो भी ये एलिमेंट आपका डी ब्लॉक हो का होगा और अगर आपके पास कॉन्फिग्रेशन एन माइनस टू एफ वन टू फोर्टीन है और एन माइनस वन डी जीरो टू वन है और एन एस टू एच ये हमेशा भरा हुआ होना चाहिए इसमें f में तो वो हमेशा एफ ब्लॉक का होगा एस ब्लॉक का कब होगा इफ एन माइनस टू एफ एंड एन माइनस वन डी बोथ आरबसेंट अगर ये दोनों ही एबसेंट है एंड कॉन्फिग्रेशन इज एन एस वन टू तो ये आपका फिर किसका होगा एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा इतनी चीज आपके समझ में आ गई आप इसको रिटर्न में ले लो ठीक रहेगा इससे आपको पता चल कि कौन कौन से ब्लॉक का है अब अपन अपने क्वेश्चन के पास आते हैं अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन देर का है तो इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना सबसे बड़ी वैल्यू है उसको तो एन मान लेते हैं सबसे बड़ी वैल्यू को तो अपन क्या मान लेते हैं एन ये तो ये हो गया एन एस टू राइट फिर आपका एन माइनस वन कौन हो गया सिक्स में से वन माइनस कर दो फाइव तो ये यह आपका हो गया एन माइनस वन डी टू क्लियर और फिर सिक्स में से टू माइनस करोगे तो यह आएगा तो इसको आप लिख सकते हो एन माइनस टू एफ फोर्टीन अब इसको सिंप्लीफाई लिखो एन माइनस टू एफ फोर्टीन एन माइनस वन डी टू एन एस टू अभी दरा दो इसको तो फॉलो कर रहा है क्या नहीं कर रहा इसको नहीं कर रहा इसको कर रहा है बिल्कुल n 2 है 14 n 1 d2 से 10 तो यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन है 2 और ns में एक से दो तो वहां पे कितना इलेक्ट्रॉन है दो मतलब किसको फॉलो कर रहा है इस कॉन्फिगरेशन को ये फॉलो कर रहा है इसको इसका मतलब ये एलिमेंट आपका कौन सा है d ब्लॉक का है एक चीज का ध्यान रखना अगर डी में यहां एक इलेक्ट्रॉन हो जाता एक इलेक्ट्रॉन हो जाता तो फॉलो किसको कर जाता जीरो होंगे इसमें वन आ गया इसमें टू तो वह एबलो का बन जाता मतलब यह कॉन्फिग्रेशन आपको ध्यान में होना चाहिए राइट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एल्यूमिनियम ज डायटेड इन टू इन पेरिडिकल रिलेशनशिप क्या होती है ना उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है डायगोनल रिलेशनशिप में वो आएंगे ऐसे एलिमेंट है कुछ जो अपने ग्रुप में जो अदर एलिमेंट है उनके साथ प्रॉपर्टी में तो सिमिलरिटी नहीं देते लेकिन अपने से डायगोनल पे आगे वाले ग्रुप में जो प्रेजेंट है ना उसके साथ प्रॉपर्टी सिमिलर दे देते हैं तो वो कौन कौन है देखो लीथियम बेरिलियम बोरॉन इसके नीचे कौन आता है सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम कार्बन सिलिकन तो देखो यहां पे लिथियम की प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए सोडियम से लेकिन इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है अपने से डायगोनल पे कौन है मैग्नीशियम तो लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप रखता है मैग्नीशियम के साथ वैसे ही बेरिलियम की जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर तो होनी चाहिए मैग्नीशियम के साथ लेकिन इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है आपकी एल्यूमिनियम के साथ तो आपको यही तो पूछा है कि एल्यूमिनियम किसके साथ डायगोनल में है तो आपका बेरिलियम के साथ है राइट ऐसे ही बोरॉन आपका सिमिलर होता है किसके साथ सिलीकन के साथ राइट बिल्कुल सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं एन एलिमेंट है 2p6, 3p4, period. Period को मैंने कहा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही नंबर ऑफ पीरियड है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कैसे पता चले तो कॉन्फिगुरेशन में सो सबसे बड़ी डिजिट होगी ये एन की वैल्यू यहां पे क्या है थर्ड राइट right? तो यहां से पता चल गया तो प्रेडिक्ट द पीरियड पीरियड कौन सा हो गया थर्ड पीरियड इसका थर्ड हो गया फिर उसके बाद में आगे देखें और क्या पूछा है इसके लिए ग्रुप तो ग्रुप से पहले ब्लॉक पता होना चाहिए मैंने अभी बताया था तो कॉन्फ़िगरेशन देखो कॉन्फ़िगरेशन अभी बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन देखो जिसके पास एन एस टू जिसके पास एनएस टू वन टू सिक्स हो वो पी ब्लॉक का होगा तो देखो एनएस टू है और ये आ गया एन पी फोर फॉलो कर रहा है नहीं इसको इसका मतलब आपका ब्लॉक ब्लॉक हो गया आपका पी और पी ब्लॉक के लिए ग्रुप को आइडेंटिफाई करना हो तो मैंने आपको एक पैटर्न दिया था सिंपल सा टेन प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है फोर और टू सिक्स टेन प्लस सिक्स कितना हुआ सिक्सटीन तो इसका ग्रुप हो गया सिक्सटीन तो आ जाओ भैया पीरियड थर्ड ब्लॉक पी ग्रुप सिक्सटीन लो फर्स्ट ही आंसर हो गया इसका डन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले द लाइटेस्ट मेटल इज सबसे हल्की धातु कौन सी है तो जिसकी डेंसिटी कम है वो सबसे हल्की धातु है तो अपन जब पेरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो उसमें आपने होगा कि एल टू आर चलते हैं एल टू आर एल टू आर चलते हैं तो क्या होता है Densities पहले पहले तो तो क्या होती होती है 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 है. उसके बाद में में इसका मतलब है, जो सबसे सबसे आएगा उससे आगे जाने पर होने वाली है. तो में सबसे कम आपकी लिथियम की आ गई फिर ग्रुप की बात करें ग्रुप में क्या होता है ग्रुप में मास और वॉल्यूम दोनों बढ़ते हैं लेकिन comparatively, के मास ज्यादा इंक्रीमेंट होता है तो तो वो अगर मास ज्यादा इंक्रीज हो रहा है मतलब डेंसिटी बढ़ेगी तो ग्रुप में हमेशा डेंसिटी डेंसिटी बढ़ती है क्लियर तो नीचे भी बढ़ेगी मतलब है, मेटल्स में सबसे कम डेंसिटी कौन रखता है चलते हैं। ये कह रहा है इन इट्स केमिकल बिहेवियर बिकॉज लिथियम मैग्नीशियम से रासायनिक व्यवहार में समानता प्रदर्शित करता है क्यों तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है कुल मिलाकर के बात वो डायगोनल रिलेशनशिप वाली आ गई डायगोनल रिलेशनशिप लिथियम किसके साथ देता है आपका मैग्नीशियम के साथ बेरिलियम देता है के साथ इसी प्रकार आपका बोरोन देता है सिलिकॉन के साथ लेकिन ऐसा होता क्यों है तो डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब उनमें प्रॉपर्टी सिमिलर प्रॉपर्टी सिमिलर दो ही कंडीशन में हो सकती है एक तो उनका आयनिक पोटेंशियल सेम हो ऑलमोस्ट सेम हो दूसरा उनकी इलेक्ट्रॉनिक्टिविटी सेम हो और अपन सिंपल से चीज कह रहा हूं आयनिक पोटेंशियल मैं आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात नहीं कर रहा हूं आयनन विभव की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां बात कर रहा हूं आयनिक विभव की एक तो फाइव क्या होना चाहिए ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए और आपको पता है फाइ क्या होता है आपका चार्ज अपॉन साइज ये सेम होगा इसका मतलब चार्ज और उनकी साइज भी ऑलमोस्ट सेम होंगी तो आप यह भी कह सकते हो डायगोनल रिलेशनशिप वो देते हैं जिनकी साइज ऑलमोस्ट सेम हो तो डायगोनल रिलेशनशिप के लिए कंडीशन आ गई दूसरी क्या आ गई साइज क्या होनी चाहिए ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए एग्जैक्ट सेम हो जरूरी नहीं थर्ड कंडीशन है उनकी इलेक्ट्रोनिक्टिविटी भी ऑलमोस्ट सेम होती है इलेक्ट्रोनिक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम तो आ जाओ ऑप्शन में मैच करो सिमिलर साइज बिल्कुल सही बात है ग्रेटर मेटल्स हैं ये लिथियम और मैग्नीशियम मेटल्स की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती है तो ये इसकी वजह से हो गया। पहला तो, एक देख लेते हैं लिथियम तो है, तो है, और मैग्नीशियम दोनों ही मेटल्स हैं तो ये सेकंड ऑप्शन तो इसी वजह से इनकरेक्ट हो गया यहां पे बिल्कुल अपन इसके साथ एग्री करते हैं इसके साथ भी एग्री करते हैं लोअर पोलराइजिंग पावर मेटल्स की पोलराइजिंग पावर हाई होती है तो मैं इसके साथ एग्री नहीं होता भाई इसका मतलब अपन फर्स्ट को भी कैंसिल कर सकते हैं आगे सिमिलर साइज है सेम बिल्कुल सिमिलर हाई पोलराइजिंग ये कह रहा है इनका पोलियन पावर सेम है लेकिन हाई है बिल्कुल सही बात मेटल्स का पोलराइजेशन पावर हाई होता है मैं इसके साथ बिल्कुल एग्री करता हूं तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन एज पर मॉडर्न लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स पढ़ाई जाती केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की उनके प, आपके एटॉमिक नंबर का पेरियो फंक्शन होती है ये बात है मोजली की और मॉडर्न पेरियो टेबल उसने दी थी अगर इसी बात को अपन किसके मेंडेलिव के रेस्पेक्ट में ले लें तो ने क्या कहा था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर पेरियडिक फंक्शन ऑफ एटोमिक मास तो अगर आपके के लिए पूछता तब तो, तो आपका आंसर किससे आ जाता एटॉमिक वेट के साथ चला जाता लेकिन ये पूछ रहा है मॉडर्न पेरियडिक टेबल जो कि हेनरी मेजलिक हेनरी मोजले के द्वारा दी गई है तो यहां से अपन बात करेंगे तो इसने क्या कहा कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसके इक्वल होती है एटॉमिक नंबर अब एटॉमिक नंबर का तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है तो आव... एक एग्जांपल लेते हैं कार्बन से मैं बात करता हूं कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया सिक्स एटॉमिक नंबर किससे डिसाइड होता है नंबर ऑफ प्रोटोन से इसका मतलब है कार्बन में आपका प्रोटोन का नंबर क्या है सिक्स और अगर आपका एलिमेंट न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटोन इज टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें सिक्स है एटोमिक मास क्या होता है पी प्लस

तो एटोमिक नंबर जितना है उतना ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पेरिडिक्टेबल में न्यूट्रल एलिमेंट को ही तो रखा गया है तो वही चीज जो एटॉमिक नंबर है इसका मतलब वो नंबर ऑफ भी इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इक्वल है तो इसका मतलब मैं सिंपल सा कह सकता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे मतलब इलेक्ट्रॉनों पर भी डिपेंड कर सकती है ये चीज राइट तो इसके साथ जा सकते हैं तो आपका एटोमिक नंबर पर डिपेंड मान लो आप मॉडर्न पेरिडिक नंबर ऑफ प्रोटोन पे मान लो आप या फिर आप कह सकते हो नंबर ऑफ

पे डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है और आप एक बोल सकते हो न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है प्रत्येक आवर्त में छार धातुओं छार धातु बोले तो सबसे पहले वाली राइट फर्स्ट ग्रुप की फर्स्ट की बात हूं कौन कौन है लिथियम हो गई हाइड्रोजन की अपन बात नहीं करेंगे नॉन मेटल है मैं पे बात कर रहा के के तो उसके बाद में फ्रांसियम आ गया क्लियर ये कह रहे है कि जो चार धातु हैं आपकी एल्केलाई मेटल है वो साइज में अपने पीरियड में सबसे छोटी है तो पहली बार एल टू आर चलते हैं तो साइज

साइज आगे क्या हो रही है कम हो रही है और आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी आयनिक पोटेंशियल जो आपका होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल जो आपका होता है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है तो इधर अपन जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है कम हो रहा है इसका मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो इधर इंक्रीज हो रहा है तो ये तो सबसे पहले है इसका मतलब इनका आयनाइजिक पोटेंशियल सबसे कम होगा बिल्कुल मैं इसके साथ एग्री करता हूं आगे वाले और देख लेते हैं सबसे अधिक आयन मतलब ये हाईएस्ट तो अभी तो बोल दिया इनका कम होता है तो ये भी गया तो कौन से आंसर के साथ जाएंगे सेकेंड के साथ अपन जाएंगे हा तो अब अपन इलेवंथ क्वेश्चन की बात करते हैं विच ऑफ द स्मॉलेस्ट साइज सबसे छोटा आकार किसका है तो देखो आओ यहां पे देख लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने नंबर 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 पे आता है ऑफ ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है टेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है टेन और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है एटीन है नंबर ऑफ सेल की बात करें तो इसमें दो सेल है इसमें दो सेल है भाई ये इसमें तीन सेल होती है थर्ड पीरियड का है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो आउटर सेल तो फिनिश हो गई ये सेकंड सेल का सेकंड दो ही सेल है इसमें इसमें भी ऐसे ही दो ही सेल है और इसमें भी दो सेल है तो ये एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज होगी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में क्या होता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है वैसे वैसे साइज डिक्रीज होती है तो एटॉमिक नंबर उसका नाइन है तो सबसे लार्ज साइज का तो वो हो गया फिर इसमें एटॉमिक नंबर इलेवन है फिर ये हो गया और इससे भी छोटा कौन हो गया मैग्नीशियम इसमें नंबर ऑफ सेल थ्री है तो नंबर ऑफ सेल बढ़ने से ये अब नॉर्मली सबसे लार्ज है तो अगर सबसे बड़ा पूछा होता तो यहां कौन होता क्लोराइड लेकिन आपको पूछा है सबसे छोटा तो सबसे छोटा यहां पे कौन है मैग्नीशियम प्लस टू तो आपका आंसर यहां पे क्या होगा मैग्नीशियम प्लस टू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द आयोडीन स्पीसीज आयोडीन स्पीसीज के लिए साइज किसकी ज्यादा होगी तो देखो एक चीज याद रखो न्यूट्रल एटम उसी का एनाइन और उसी का केटाइन न्यूट्रल एटम से केटाइन की साइज क्या होती है छोटी होती है उसका रीजन क्या है केटाइन में नंबर ऑफ सेल या तो नंबर ऑफ सेल कम हो जाएगा या दूसरा उसका जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो क्या हो जाएगा जेड इफेक्ट इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा

स्मॉल हो जाएगा तो आपका आंसर किससे मैच कर रहा है ये आपका आंसर मैच कर रहा है किससे फोर्थ ऑप्शन से तो आंसर फोर्थ सही हो जाएगा पे नेक्स्ट रेडी आयनिक त्रिजा है ठीक है तो आयनिक त्रिज्या में एक चीज का आप तो हमेशा ध्यान रखो पूछा हुआ क्वेश्चन है ये एआईपीएम टीम आयनिक रेडी ये आपकी जेड इफेक्ट के प्रोपोर्शनल है। क्लियर अभी तो इसी से पीछे वाला सवाल किया था इसी कंसेप्ट मतलब जैसे जेड जै इफेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे आइनिक रेडी कम होती जाएगी रीजन क्या है इलेक्ट्रॉन निकलता है ठीक है तो क्या होता है जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है साइज उसकी छोटी हो जाती है क्यों प्रोटोन है जैसे मान लो किसी के पास ग्यारह प्रोटोन है और ग्यारह इलेक्ट्रॉन है अब इसकी एटॉमिक साइज होगी अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल निकालो पहले तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहे थे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अब 11 प्रोटॉन 10 को खींच रहे ज्यादा इफेक्टिवली खींच पाएंगे ये अट्रैक्शन ही तो आपका जेड इफेक्ट है और है है क्या ठीक तो जेड इफेक्ट जितना ज्यादा छोटा होगा जेड इफेक्ट करता क्या है न्यूक्लियस से डालता है आपका आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स पे ये तो ये जितना अंदर की तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को साइज छोटी होती जाएगी तो आयनिक रेडी जेड इफेक्ट के इनवर्सली होती है जितना जेड इफेक्ट ज्यादा उसकी आयनिक रेडी कम तो आपका आंसर हो गया ये थर्ड क्लियर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ फॉलोइंग ये कुछ ऑर्डर दे गए उनके आपको आइनिक साइज देखनी है और आपकी ये वाली इसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें सेम है देखो सबको एक एक से स्टडी कर लेते हैं अपन तो कैल्शियम प्लस टू की मैं बात करता हूं कैल्शियम प्लस टू कैल्शियम कितने नंबर पे आता है ट्वेंटी पे और कैल्शियम प्लस टू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई ट्वेंटी पे आता है दो डोनेट कर दिए तो एटीन हो गए फिर उसके बाद में मैं बात करता हूं पोटेशियम की के प्लस है ये नंबर पे आता है और इसमें भी नंबर ऑफ उन्नीस है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन एटीन हो गए फिर उसके बाद में मैं बात करता हूं आर्गन में तो आर्गन में देखा जाए तो वही एटीन इलेक्ट्रॉन है फिर उसके बाद में मैं बात करता हूं किसकी सल्फाइड की सल्फाइड में इलेक्ट्रॉन कितना होता है एटीन हो गया सोलह नंबर पे आता है दो इसने गेन कर लिया उसके बाद में क्लोराइड सेवनटीन तो इसमें कितना हो गया एटीन हो गए आलेक्ट्रॉनिक सीरीज तो मैंने क्या कहा जैसे जैसे यहां पे क्या होगा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे साइज डिक्रीज होगी तो एटॉमिक नंबर से अरेंज कर दो सबसे कम एटॉमिक नंबर वाला पहले रख दो एस माइनस टू फिर क्लोराइड सिक्सटीन सेवनटीन फिर आर्गन एटीन फिर आपका कौन आ गया पोटेशियम 19 फिर कैल्शियम कितना आ गया 20 तो साइज कंटिन्यूसली क्या हो जाएगी कम होती जाएगी ठीक है तो कौन सा ऑप्शन है सल्फाइड सबसे ये रहा सल्फाइड सबसे लार्ज हो गया फिर क्लोराइड हो गया फिर पोटेशियम हो गया फिर आर्गन हो गया फिर ये हो गया देखो ट्वेंटी ये नहीं है एक मिनट सल्फाइड क्लोराइड पोटेशियम ऑर्गन यहां से देखो 16, 17, 18, 19 और ये 20। तो आईसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है और आईसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसकी साइज छोटी होती है तो एटॉमिक नंबर कम होता जा रहा है ना तो साइज इंक्रीज होती जा रही है तो आंसर आपका कौन सा आ गया सेकंड आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है एल्यूमिनियम प्लस थ्री हैज ए लोअर आयनिक रेडी देन मैग्नीशियम प्लस टू बिकॉज एल्यूमिनियम प्लस थ्री की आयनिक त्रिज्या मैग्नीशियम से कम होती है तो फर्स्ट कह रहा है आपका मैग्नीशियम एटम हैज लेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का कोई रोल नहीं होता भाई आयनिक रेडी तो इसके साथ में बिल्कुल सहमत नहीं हूं एल्युमिनियम प्लस थ्री हैज हायर न्यूक्लियर चार्ज देन मैग्नीशियम प्लस टू तो आप यहां पर देखो मैग्नीशियम प्लस टू और यह आपका हो गया एल्यूमिनियम प्लस थ्री एटोमिक्वेल्विकोटल इलेक्ट्रॉन टेन है, है इसमें भी टेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उसके साइज छोटी होगी क्योंकि उसका जेड इफेक्ट ज्यादा होगा तो यही कह रहा है कि एल्यूमिनियम प्लस का नाबी आवेश मैग्नीशियम प्लस

सेकेंड आंसर हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडी फिर से वही आयनिक रेडी पे सवाल है कि किसके आयनिक रेडी का सही सिक्वेंस आपको बताना है इंक्रीजिंग ध्यान से देखना इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है क्लियर तो देख लो फिर वही चीज सबसे पहले तो लिथियम की बात करें तो लिथियम प्लस सेल में एक इलेक्ट्रॉन था वो निकाल दिया अब इसमें नंबर ऑफ सेल नंबर ऑफ सेल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे सवाल करने में ये आप हमेशा ध्यान रखो नंबर ऑफ सेल कितने इसमें दो है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल थ्री पे आता है तो नंबर वन है नंबर ऑफ सेल वन है सॉरी 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 वन 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 टू तो 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 दूसरा फिनिश हो गया नंबर ऑफ सेल है क्योंकि सेकेंड सेल में एक तो इलेक्ट्रॉन था फिर आओ आप कौन दे रखा है मैग्नीशियम मैग्नीशियम प्लस टू तो मैग्नीशियम प्लस टू की अपन बात करें तो नंबर ऑफ सेल इसमें दो है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने टेन फिर उसके बाद में मैं बात करता हूं पोटेशियम प्लस दे रखा है पोटेशियम प्लस में नंबर ऑफ सेल थ्री है इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास 18 है नंबर ऑफ सेल चार थे लेकिन बाहर वाला सेल फिनिश हो चुका है फिर एल्यूमिनियम प्लस थ्री की बात करें एल्यूमिनियम प्लस थ्री में से बात करें तो अपने को क्या थ्री वही नंबर ऑफ सेल तो इसका टू और इलेक्ट्रॉन हो गया 10 तो ये दो तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के इसमें नंबर ऑफ सेल ज्यादा है तो सबसे लार्ज तो हो गया पोटेशियम प्लस फिर इसके बाद में इन तीनों में से होगा अब देखने में तो यह लग रहा है सबसे छोटा है लेकिन एक चीज आप याद रखना जब साइज की बात करें तो लिथियम, बेरिलियम लिथियम, बेरिलियम सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम रूबीडियम सीजियम कैल्शियम, स्ट्रॉनशियम और बेरियम ठीक है एटॉमिक साइज की बात कर रहा हूं मैं पहले एटॉमिक साइज तो एटॉमिक साइज की बात करें तो बेरिलियम से बड़ा होता है लिथियम लिथियम से बड़ा होता है मैग्नीशियम मैग्नीशियम से बड़ा होता है सोडियम सोडियम से बड़ा होता है आपका कैल्शियम कैल्शियम से बड़ा स्टोनशियम स्टोनशियम से बड़ा बेरियम फिर बेरियम से बड़ा पोटेशियम रूबेडियम ये तो एटोमिक साइज है लेकिन यही अपन आयनिक रेडी की बात करें अपन आयनिक रेडी तो लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस रूबीडियम प्लस और सीजियम प्लस ऐसे ही बेरिलियम प्लस टू मैग्नीशियम प्लस टू कैल्शियम प्लस टू स्ट्रॉनशियम प्लस टू और बेरियम प्लस टू अब आयनिक रेड की अगर अपन यहाँ पे अपन बात करेंगे ना तो इसमें देखना बेरिलियम से लार्ज होता है मैग्नीशियम मैग्नीशियम से भी लार्ज होता है लिथियम फिर सोडियम फिर ये ऑर्डर होगा बाकी तो सेम तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि मैग्नीशियम से लार्ज है लिथियम और अपन ने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है और इसका एटॉमिक नंबर 13 है आइसो तो इलेक्ट्रॉनिक है उसकी साइज छोटी होती है तो मैग्नीशियम और एल्युमियम में से छोटा एल्युमिनियम है एल्युमिनियम से बड़ा मैग्नीशियम और मैग्नीशियम से भी बड़ा कौन आ रहा है लिथियम तो यहाँ लिथियम प्लस आ जाएगा फिर मैग्नीशियम प्लस टू आ जाएगा और सबसे छोटा आ जाएगा एल्युमिनियम प्लस थ्री देख लो भैया कौन सा ऑप्शन है ये वाला थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा राइट right? इसमें कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। विच ऑफ लार्जेस्ट साइज सबसे बड़ा साइज किसका है तो देखो न्यूट्रल एटम का केटाइन से साइज हमेशा बड़ा होता है अभी बताया था। तो यहां न्यूट्रल एटम कौन है एल्यूमिनियम इसका साइज सबसे बड़ा होगा अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे वैसे वैसे जेड इफेक्ट बढ़ता जाएगा जेड जाए इफेक्ट बढ़ता जाएगा साइज तो होती जाएगी तो साइज का ऑर्डर क्या आएगा एल्यूमिनियम फिर इससे छोटा एल्यूमिनियम प्लस उससे भी स्मॉल एल्यूमिनियम प्लस टू और इससे भी स्मॉल आ जाएगा आपका एल्यूमिनियम प्लस थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं द एटोमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज वुड बी नियरली द सेम में से किस श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्या लगभग समान होती है तो देखो इधर आओ। सोडियम पोटेशियम ये एक ग्रुप के हैं कौन से ग्रुप के चार धातुओं के मेटल्स के। और एल्केलाई मेटल फर्स्ट एक है ये सारे के सारे कैसे सोडियम पोटेशियम रूबीडियम सीजियम इनमें नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज इंक्रीज होती है तो इसको तो ऑलमोस्ट इक्वल नहीं बोल सकते फिर लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन ये एक सेकेंड पीरियड आ गया लिथियम आ गया बेरिलियम आ गया बोरॉन आ गया कार्बन और पीरियड में जाते हैं तो साइज कम होती हुई जाती है तो इसका भी नहीं होगा फिर आ जाओ यहां पे, ये आपके थ्री सीरीज के हैं आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर को, यही तो दिए है ना तो देखो ये थ्री डी सीरीज में आता है ट्वेंटी सिक्स नंबर पे यह ट्वेंटी सेवन ये ट्वेंटी एट ये ट्वेंटी नाइन तो वैसे देखा जाए तो इनका ऑर्डर अपन यूं पढ़ते हैं कि इनकी साइज ऑलमोस्ट सेम होती है इसकी ज्यादा बताते हैं अपन होता क्या है यह तो आपकी होती है वन ट्वेंटी सिक्स पिकोमीटर यह आपकी होती है वन ट्वेंटी फाइव पिकोमीटर यह भी आपकी वन ट्वेंटी फाइव पिकोमीटर होती है और यह होती है वन ट्वेंटी एट पिकोमीटर इसका बताया मैंने आपको वन टू फाइव पेकोमीटर वैसे तो कॉपर की थोड़ी बड़ी होती है लेकिन आप यहां सकते हो तो पढ़े हैं उनमें से आपके को क्या कर रहा है? ये भी एक ग्रुप हो गया सेवनटीन इनमें भी साइज नीचे जाने पर इंक्रीज होती है ये भी नहीं हो सकता अब आपके पास ऑप्शन बच गया कौन सा थर्ड आपको इसके साथ जाना है कई बार क्या होता है इन ऑर्गेनिक में सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि कई एक से अधिक आंसर पे कभी आपको ये श्योरिटी हो जाती है कि ये हो सकता है या कई बार क्या करता है अपने को कोई ऑप्शन पूरा कंप्लीटली ठीक नहीं लगता है तो ऐसे में अपन ऑलमोस्ट देख लेते हैं जैसे अपन तो बिल्कुल कैंसिल हो ही रहे थे तो अपन फिर किसके साथ चले गए थर्ड के साथ चले गए ठीक है क्लोराइड आयन और पोटेशियम आयन सब इलेक्ट्रॉनिक है तब क्लोराइड आयन एंड पोटेशियम आयन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक यह कह रहा है कि क्लोराइड और पोटेशियम आयन। यह तो आपका हो गया क्लोराइड आयन और यह आपका हो गया पोटेशियम आयन। इसमें भी एटीन इलेक्ट्रॉन है इसमें भी एटीन इलेक्ट्रॉन है कहने का मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है यह सेवनटीन नंबर पर आता है यह नाइनटीन पे आता है

पर निर्भर करता है डिपेंड्स ऑन द अदर के नहीं भाई इनका रिलेशन कर रहा है तो दूसरे का तो दिक्कत नहीं।, नहीं है क्लोराइड आयन पोटेशियम आयन से बड़ा पोटेशियम आयन बिल्कुल ने पहले ही सोल्व कर लिया था तो ये तो गए तो आपका आंसर यहां पे क्या हो जाएगा फोर्थ आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द लार्जेस्ट साइज सबसे बड़ी साइज ओके okay. सारे के सारे आयन दे रखे हैं लेकिन सारे के सारे एक ही ग्रुप से दे रखे हैं कौन सा ग्रुप आइडेंटिफाई करो भाई 16 ग्रुप है ऑक्सीजन आता है सल्फर आता है आता है फिर आपका टेलोरिनियम आता है फिर पॉलेनियम। पॉलेनियम की बात ही नहीं करेंगे इसने दिया ही नहीं अब इनके आयनिक दे दिए कोई फर्क नहीं पड़ता भैया नीचे जा रहे हैं ना तो साइज इंक्रीज होता हुआ ही जाता है तो इनमें से सबसे बड़ा कौन हो गया टेल्यूरियम राइट नेक्स्ट च ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन्वॉल्व मैक्म अमाउंट ऑफ एनर्जी निम्न में से किस संक्रमण में सर्वाधिक ऊर्जा होती है देखो सारे गैसेज स्पीसीज देखे एक आपने पढ़ा होगा जब भी किसी आइसोलेटेड गैसेज स्पीसी से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं या इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है उस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है नेगेटिव होता है अब आयनाइजेशन एनर्जी जो एटम जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा तो स्मॉल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है क्लियर तो यहां जाओ ये मैग्नीशियम माइनस एक ही है सारे एक ही मेटल दे रखे तो इनमें साइज का ऑर्डर देख लो पहले तो एम माइनस एम ये लार्ज है और एन से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी भी होता है तो यहां पर तो सबसे कम एनर्जी लगेगी ये जितने भी ट्रम्स दे रखे हैं उनमें से सबसे कम एनर्जी यहाँ। अब बच गई ये इससे इलेक्ट्रॉन निकालने पे एनर्जी देनी पड़ेगी और एक चीज का ध्यान रखना ये आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट हो गई एम के लिए ये देख के देखो आप एम से एम प्लस आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट फिर इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकाला तो आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड फिर एक इलेक्ट्रॉन और निकाला तो ये आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड और आपको पता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी एक एलिमेंट के लिए हमेशा बढ़ती है क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे वैसे वैसे एटम स्मॉल होता जाएगा तो उसका जेड इफेक्ट बढ़ेगा और जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज होती है किसी भी केस में देख लो चाहे तो आप यहां पे देख लो पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला है फिर दूसरा निकाला है फिर ये तीसरा ये थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है तो सबसे ज्यादा एनर्जी आपको यहां पर देनी पड़ेगी हाँ सबसे कम पूछता तो सबसे कम पूछता तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर हो जाता नेक्स्ट क्वेश्चन अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन द सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल विल बी ये कह रहा है कि प्रथम आयनन विभव का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा होगा तो सारे के सारे सेकंड पीरियड से देर खेम अरेंज करो पहले तो पीरियड वाइज सेकंड पीरियड के हैं ये सेकेंड पीरियड के दर्ख हैं तो अरेंज कर लें इनको सबसे पहले कौन आता है बोरॉन आता है फिर कौन आता है कार्बन आता है फिर कौन आता है आपका नाइट्रोजन आता है राइट right? इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है अब वेलेंस सेल के लिख रहा हूं मैं सिर्फ 2s2 2p1 2s2 2p2 2s2 2p3 राइट right? अब आप यहां पे देखो एल टू आर चलते हैं तो साइज डिक्रीज होती है साइज डिक्रीज होती है तो आयनाइजेशन एनर्जी इनक्रीज होती है यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं है इसमें तो जो दे ऑप्शन तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन में लगेगी फिर उससे कम किस में लगेगी कार्बन में लगेगी और सबसे कम किस में लगेगी बोरॉन में लगेगी कौन सा ऑप्शन है ऐसा फर्स्ट तो बिल्कुल सही फर्स्ट के साथ अपन एग्री करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज लार्जर देन द ट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज नाइट्रोजन की आयन ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक होती है क्यों देखो इधर ये तो आपका आ गया नाइट्रोजन और ये आपका आ गया ऑक्सीजन अगर रेगुलरली मैं बात करूं तो एल टू आर जा रहे हैं तो साइज कम होती है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए होनी तो चाहिए नाइट्रोजन से ज्यादा किसकी ऑक्सीजन की लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है सिर्फ वेलेंस सेल के लिख रहा हूं 2s2 एच टू टू और इसका क्या होता है 2s2 2p4 टू टू इसका एटोमिक नंबर कितना होता है एटोमिक नंबर देख लो इसका एटोमिक नंबर होता है सेवन और इसका एटोमिक नंबर होता है एट राइट अब आओ, आओ, आओ यहां पर ये, हाँ ये ना तो फुल फिल है ना हाफ फिल है ठीक है तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना हाफ फिल ऑर्बिटल और, और फिल ऑर्बिटल अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व ज्यादा होता है उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो कहने का मतलब इससे ज्यादा स्टेबल इस यह है और स्टेबल से इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी पहली चीज लेकिन यह इफेक्ट वहीं पे अप्लाई होता है जहां एटॉमिक नंबर में सिर्फ एक का डिफरेंस होता है या सक्सेसिव जो आपके निकटवर्ती होते हैं उन पे लागू होता है जैसे यह सात और आठ एटॉमिक नंबर एक का डिफरेंस है अगर इसके आगे जैसे फ्लोरीन होता अपन बात करें इसके आगे जैसे फ्लोरीन हो गया इसमें इस भी टू पी फाइव होगा तो ये भी तो फुलफिल नहीं है ना स्टेबिलिटी कम है लेकिन इसकी मैं बात यहां नहीं करूंगा क्योंकि बात सिर्फ कहां होती है जहां एटॉमिक नंबर में वन का डिफरेंस होता है वही अर्धपुरित कक्षकों के स्थायित्व वाला रूल हाफ फिल ऑर्बिटल के स्टेबिलिटी वाला रूल लगता है तो यहां पे देखो हाफ फिल है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा

स्मॉलर है तो नाइट्रोजन की साइज छोटी नहीं है साइज तो छोटी ऑक्सीजन की है ये भी सही नहीं है तो ये भी गया आपका ये भी गया द हाफ पी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ये कह रहा है कि अर्धपूर्ण अर्धपूर्ण पी कक्षकों का अतिरिक्त बिल्कुल अर्धपूरित है इसमें और इसकी वजह से इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल गई इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा थर्ड पेनेट्रेशन पेनेट्रेशन यहां नहीं लगता है पेनेट्रेशन की जब बात आएगी तो अपन देख लेते हैं पेनेट्रेशन आपका लगता है एनएस टू एन पी एन एस टू एन एस टू एन पी वन इन में अप्लाई होता है यहां पे भी एटॉमिक नंबर में वन का डिफरेंस ही होना चाहिए पेनेट्रेशन का मतलब होता है एस से पेनिट एस का पेनेट्रेशन ज्यादा होता है पी से मतलब एस से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी क्लियर तो यहां पे अगर देखा जाए तो यहां से इलेक्ट्रॉन पी से निकलेगा और यहां से इलेक्ट्रॉन एस से निकलेगा तो इसके आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी लेकिन यह भी वही अप्लाई होगा जहां एटॉमिक नंबर में कितने का डिफरेंस हो एक का जैसे मैं बात करूं लिथियम और बोरॉन

आपको बेधन क्षमता वाला इसका मतलब आपका आंसर यहां पे हाफ फिल वाला जाएगा राइट नेक्स्ट इन ए गिवन सेल द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट इज दिए गए कक्ष पर पहले तो आप यह देखो परिर प्रभाव होता क्या है क्लियर फॉर ए गिवन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्रिएट बाई अदर इलेक्ट्रॉन किसी एक दिए गए इलेक्ट्रॉन के लिए, लिए अलग बाकी के शेष इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो भी रिपल्शन लगाया जाता है वो रिपल्सन फोर्स आपका कहलाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट क्लियर तो एक चीज का ध्यान रखो जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास में होंगे उनमें रिपल्शन ज्यादा लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर रहे तो रिपल्शन कम लगेगा तो एस है वो सबसे क्या होता है स्मॉल होता है फिर इससे लार्ज क्या होता है पी इससे डिफ्यूज डी इससे डिफ्यूज एफ तो यहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा लगेगा फिर पी में लगेगा फिर d और सबसे कम लगेगा एप में तो आंसर है spdf ये हो जाएगा क्लियर इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम हो जाता है इसीलिए तो यहां पे आके जैसे एप में इलेक्ट्रॉन जाने के बाद में तो लेंथ लेंथेनोइड और एक्टिनोइड कंट्रक्शन आ जाते हैं इसी वजह से साइज बढ़ने की बजाय डिक्रीज होना शुरू हो जाती है क्लियर देखेंगे आगे ये भी आएगा इस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन डेटा देख के घबराना नहीं ठीक है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू फॉर एन एलिमेंट एक्स आर गिवन बिलो एक्स तत्व के लिए आयनीकरण ऊर्जा का बढ़ता हुआ मान नीचे दिया जा रहा है ये आपको आयनाइजेशन एनर्जी दी जा रही है क्लियर और इसमें जनरली यही पूछा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने या उसकी वैलेंसी कितने है? तो देखो फाइंड आउट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर द एटम एक्स तो एक चीज का ध्यान रखना जब भी आप स्टेबल कॉन्फिग्रेशन से इलेक्ट्रॉन निकालोगे आयनाइजेशन एनर्जी अब नॉर्मली इंक्रीज हो जाएगी क्लियर तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी यहां से थोड़ी इंक्रीज हुई यहां इंक्रीज हुई यहां डबल से भी ज्यादा हो गई आयनाइजेशन एनर्जी अब नॉर्मली इंक्रीज होगी इसका मतलब है यह अगर आपको पांचवा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो पांचवा इलेक्ट्रॉन आपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से निकाला है स्थायी मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से निकाला है और जब भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है उसके आउटर सेल में आठ इलेक्ट्रॉन है भाई वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी में वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी कहने का मतलब ये पांचवा इलेक्ट्रॉन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से निकला है, इससे पहले वाले सारे वेलेंस गए इसलिए आसानी से निकल गए तो कितने हैं पहले आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी है वन टू थ्री फोर फोर आयनाइजेशन वैल्यू है तो जितनी छोटी आयनाइजेशन वैल्यूज है वो आपकी वेलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वेलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए आपके फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड आयन छेपी और बाद में सोसी निम्न पद के अनुसार होती है बिल्कुल आपको स्टेप दे रखिए इसने पहला इलेक्ट्रॉन गेन किया o ये एनर्जी आ गई दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन किया ये एनर्जी देनी पड़ी है पहले एंडोथर्मिक है सॉरी एक्जोथर्मी एनर्जी रिलीज हो रही है बाद में एनर्जी देनी पड़ रही है ऐसा क्यों हुआ ठीक है तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है भैया ये क्या है है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव हमेशा एडिशन के लिए रिपल्सन लगाएगा रिपल्सन लगाएगा तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन जुड़ नहीं रहा है आप उसको जबरदस्ती जोड़ रहे हो मतलब आपको वहां पे काम करना पड़ेगा काम करना पड़ेगा मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तो बस सिंपल सी चीज आ जाओ पहला ऑप्शन कह रहा है ऑक्साइड आयन विल बी टेंड द रेस्ट इज द एडिशन ऑफ अनदर कि ऑक्साइड आयन दूसरे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए प्रतिरोधी है बिल्कुल सही बात है जिस पर A9 है तो यह दूसरे नेगेटिव चार्ज को पास आने का अपोज करता है उसका रिपल्सन करता है तो आपको वहां पर एनर्जी देनी पड़ेगी क्लियर ये हो गया आपका फिर ऑक्सीजन है जो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यहां पे कोई रोल नहीं है तो ये भी गया ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का कोई रोल नहीं होता भैया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में फिर ऑक्साइड आयन है कंपेरेटिवली लार्ज साइज देन ऑक्सीजन एटम हां साइज लार्ज है ठीक है कंपेरेटिवली लार्ज साइज देन ऑक्सीजन एटम लेकिन यहां पर लार्ज साइज होने का मतलब उसमें सोसी से नहीं हो रहा है सोचे का तो मतलब यही है कि दोनों में रिपल्सन होगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी लार्ज साइज तो जैसे अभी ओ माइनस से लार्ज साइज आप सल्फर की मान सकते हो लेकिन वहां तो एनर्जी रिलीज हो रही है तो लार्ज साइज का रोल कम है यहां पे देखा जाए रिपल्सन लग रहा है इस वजह से एनर्जी देनी पड़ रही है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप फर्स्ट ए वेरियस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर फर्स्ट ए में आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है फर्स्ट ए कौन सा है आपका लिथियम हो गया सोडियम हो गया पोटेशियम हो गया रूबीडियम हो गया सीजियम हो गया तो आप हमेशा ध्यान रखो नीचे जाते हैं तो साइज इंक्रीज होती है और साइज इंक्रीज होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा लिथियम इससे कम सोडियम उससे कम पोटेशियम और सबसे कम सीजियम रुबीडियम रहेगा पोटेशियम रुबीडियम और सीजियम ऑप्शन देख लो सबसे कम ज्यादा लिथियम फिर सोडियम फिर पोटेशियम फिर सीजियम बिल्कुल सही है फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन इज लेस देन दैट ऑफ बेरिलियम बिकॉज बोरोन की प्रथम आयनन ऊर्जा बेरिलियम से कम होती है वो पेनेट्रेशन भैया अभी थोड़ी देर पहले बताया था वो आ गया है देखो ये तो आपका हो गया बेरिलियम ये आपका हो गया बोरोन कॉन्फिग्रेशन इसका क्या होता है 2s2 इसका 2s2 2p1 एटॉमिक नंबर में कितने का डिफरेंस है वन का एटॉमिक नंबर का डिफरेंस क्यों देख रहे हैं क्योंकि पेनेट्रेशन और अर्धपूरित कक्षकों का जो स्थायित्व है वो एटॉमिक नंबर में एक का अंतर होता है वहीं लागू होता है भैया तो होने तो चाहिए इसके आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लेकिन कम होगी उसका रीजन क्या है एस का पेनेट्रेशन ज्यादा है यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा ड्यू टू पेनेट्रेशन तो पहला क्या है बोरोन हैज हायर न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियर चार्ज बिल्कुल बोरोन का ज्यादा है बोरोन का ज्यादा है तो उस हिसाब से तो उसके आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होनी चाहिए मतलब ये तो नहीं है बेरिलियम एटॉमिक साइज ऑफ बोरोन इज मोर देन एटॉमिक साइज तो बोरोन की कम होती है बेरिलियम से इधर जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है ये भी गया बोरोन हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन पी सब्साइज बिल्कुल बोरोन पी में एक सब एक इलेक्ट्रॉन रख रहा है आगे वाला देखो एटॉमिक साइज ऑफ बोरोन इज लेस देन ऑफ बेरिलियम अब ये कह रहा है कि बोरोन की साइज कम है बोरॉन की साइज कम है बिल्कुल बात तो सही है लेकिन उस हिसाब से तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए ज्यादा आनी चाहिए समझ रहे हो ना बात को तो ये ये भी गया अब ये बच गया अब बच तो आप देख लो पी में एक इलेक्ट्रॉन है इसमें में दो इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक नंबर में एक का डिफरेंस है पेन्यूट्रेशन इफेक्ट लग गया तो इनमें कंपेटिवली देखें तो आपके पास यही ऑप्शन बचता है आप इसके साथ जाओगे ड्यू टू पे ये एक तरीके से नेक्स्ट ये कह रहा है ए से ए प्लस में गया इलेक्ट्रॉन ई वन एंड ए प्लस से ए प्लस टू में गया फिर इलेक्ट्रॉन निकाला ए टू इनमें क्या रिलेशन सिंपल सा सवाल पूरा पढ़ लो फिर भी द एनर्जी रिक्वायर टू पुल आउट ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन यह कह रहा है कि ए से दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं उनके लिए रेस्पेक्टिवली एनर्जी ई वन और ई टू है अब इनके लिए करेक्ट रिलेशनशिप बतानी है तो देखो पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला फिर इसी के लिए दूसरा निकाल रहा है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी और मैंने बताया था सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी तो हमेशा इनक्रीज होती है आप इसको यूं कह सकते हो ए से ए प्लस में गया और फिर ए प्लस टू में गया यहाँ के लिए एनर्जी बता दी ई वन यहां पे बता दी ई टू तो कर्मागत आयन ऊर्जा हमेशा बढ़ती है क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालोगे वैसे वैसे एटम छोटा होता जाएगा और आयन जैसे ही छोटा होगा उसका जेड इफेक्ट बढ़ेगा जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी तो आपका रिलेशन सही हो जाएगा फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ देशन इज द बेस्ट फॉर नॉट प्लेसिंग हाइड्रोजन इन आ ग्रुप ऑफ एल्केलाजन यह कह रहा है कि हाइड्रोजन को चार धातुओं और हेलोजन के साथ स्थान न देने के लिए निम्न में से कौन सा स्पष्टीकरण सबसे अच्छा है हो सकता है मोर देन वन यहां सही हो फिर उनमें देखना बेस्ट कौन सा है जो परफेक्ट ठीक है तो पहली चीज है हेलोजन के साथ उनको क्यों रख सकते हैं क्योंकि वो हेलोजन की तरह सोल्ट बना सकते हैं ठीक है दूसरा अपन देखा जाए उनकी तरह -1 देता है मेटल के साथ क्यों रखते हैं क्योंकि उनकी उनकी तरह प्लस हो सकती है अब ये कह रहा है दोनों में के साथ ना देने के लिए भाई इसको क्या बोला गया है आवारा तत्व बोला गया है ना तो इसका है ना उसका है रक्त तो दिया चार धातुओं के साथ ऐसा क्यों है आवारा क्यों है देखो भाई पहला हाइड्रोजन की आयन ऊर्जा चार धातु के समूह से बहुत अधिक है लेकिन हेलोजन समूह से बहुत कम है दूसरा कह रहा है हाइड्रोजन अन्य सभी तत्वों के साथ यौगिक बना सकती है हाइड्रोजन चार धातुओं और हेलोजनों से बहुत हल्की है निम्न में से कोई नहीं तो आप यहां पर यह देख सकते हो हाइड्रोजन की जो आयन ऊर्जा है वो चार धातुओं से तो ज्यादा है बिल्कुल सही बात है और हेलोजनों से बहुत कम है तो आयनाइजेशन एनर्जी ना तो इसकी

न हैज लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरिन बिकॉज़ फ्लोरिन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम है वैसे तो क्या बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की मैं बात करूं अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो यह साइज के यूनिवर्सली होती है तो वैसे तो फ्लोरीन की अगर साइज के अकॉर्डिंग देखे तो क्लोरीन से ज्यादा होनी चाहिए लेकिन देखो क्या होता है फ्लोरीन और यह आपका क्लोरीन इसके वेलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है पांच सॉरी सात और इसके भी कितने सात तो इसका कॉन्फिगरेशन तो क्या है टू पी फाइव और इसका क्या है थ्री पी फाइव यही तो होगा ना टू yeah. तो देखो यहां पे अपन बात करें फ्लोरीन की त्रिज्या कम है एवं उच्च गत्व है बिल्कुल फ्लोरीन की साइज छोटी है और टू पी जो ऑर्बिटल है वो थ्री पी से क्या है साइज में छोटे हैं इस वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई तो यहां पे अगर कोई एडिशनल इलेक्ट्रॉन आएगा उसके लिए एक इफेक्टिवली रिपल्सन जनरेट करेंगे राइट दूसरा यहां पे क्या है थ्री पी की साइज क्या है लार्ज है यहां पर एडिशनल इलेक्ट्रॉन आप जोड़ना चाहोगे तो ये रिपल्सन कम क्रिएट करेंगे क्लियर तो यहां पे एक चीज तो हो गई कि साइज छोटी है इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन ज्यादा देगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी को कम करेगा बात यह होगी फर्स्ट ऑप्शन इसमें से क्लोरीन की त्रिज्या कम होती तो बिल्कुल क्लोरीन की तो रेडियस ज्यादा होती फिर कह रहा है बिगर रेडियस ऑफ फ्लोरीन है लेस डेंसिटी अगर फ्लोरीन की रेडियस ज्यादा होती तो डेंसिटी कम नहीं ये आपका किसके साथ होता है क्लोरीन के साथ होता है क्लोरीन की रेडियस कम ये भी नहीं है तो आप किसके साथ साथ जाओगे फर्स्ट के साथ। क्योंकि फ्लोरीन की रेडियस छोटी है इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ रिपल्सन ज्यादा मिलेगा तो फर्स्ट आंसर हो गया तो अपन 31 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं उसमें अपन ने क्या देखा था कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो फ्लोरीन से ज्यादा होती है क्लियर थर्टी टू क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रॉन और क्लोरिन की अपने को विद्युत देखना है इलेक्ट्रॉन uh, एफिनिटी का सॉरी तो इसके अंदर देखो अपना ये ग्रुप कौन सा हो गया सेवनटीन ग्रुप हेलोजन फैमिली की बात अपन कर रहे हैं तो फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन एंड right? आयोडीन राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जब अपन बात करते हैं तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या किसी भी आइसोलेटेड गैसेज एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन गेन करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है या अब्जोर्व होती है वही आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है अब आप देख रहे होंगे कि जनरली अपन रिलीज पढ़ते हैं मैंने यहाँ पे ऑब्जॉर्व का भी नाम लिया है जहां पर स्टेबल कॉन्फिग्रेशन होता है वहां पर एटम को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती है तो वहां पर क्या किया जाता है एनर्जी देकर के इलेक्ट्रॉन को गेन करवाया जाता है फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें इनर्ट गैस इनर्ट गैस में जैसे एग्जाम्पल ले लिया ले, नियोन नियोन का कॉन्फिगुरेशन क्या होता है वन एच टू 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 पी सिक्स तो यहां पर अपन देख रहे हैं कि आउटर से के आठ इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट कंप्लीट है स्टेबल है ऐसी कंडीशन में अगर इसको इलेक्ट्रॉन अपने को गेन करवाना है तो यहां पे एनर्जी देनी पड़ेगी तो जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हमेशा एनर्जी रिलीज ही हो एनर्जी भी हो सकती है वो डिपेंड करता है है कि उसका क्या है। तो अपन आते हैं अपने क्वेश्चन के बाद अपन ने क्या कहा कि साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साइज जितनी छोटी होगी उसका जेड इफेक्ट उतना ज्यादा होगा तो जैसे ही एटम की रेंज के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा उस पर जितना ज्यादा जेड इफेक्ट

छोटे साइज होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई ज्यादा तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन के लिए थोड़ा रिपल्सन क्रिएट करेगा इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है किससे क्लोरीन से तो अपना ऑर्डर अब क्या हो गया सबसे ज्यादा क्लोरीन फिर फ्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन तो अपन आंसर फर्स्ट के साथ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं थर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन किलोजूल मोल यूनिवर्स निम्न में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता किलोजूल परमोल में सबसे कम होती है सिंपल सी चीज पहले तो इनको आइडेंटिफाई करोगी ये है कहाँ से तो देखने पे पता चल रहा है ये एक ही पीरियड के एलिमेंट है कौन से पीरियड के हैं सेकंड पीरियड के सेकंड पीरियड में अरेंज कर दो इनको सबसे पहले कौन आता है बोरॉन एटोमिक नंबर जिसका फाइव होता है फिर आपका कार्बन आ गया जिसका एटोमिक नंबर सिक्स होता है फिर आपका नाइट्रोजन आ गया जिसका एटॉमिक नंबर सेवन होता है फिर आपका ऑक्सीजन आ गया जिसका एटॉमिक नंबर एट होता है तो ये सारे के सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट है राइट अब बात तो वही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो साइज के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगी और अपन पढ़ते हैं कि एल टू आर चलते हैं पेरियोडिक टेबल में तो साइज डिक्रीज होती है तो साइज के लिए तो बिल्कुल सही बात है साइज क्या हो रही है डिक्रीज तो साइज डिक्रीज हो रही है उस हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए इंक्रीज होनी चाहिए उस हिसाब से सबसे लिस्ट की बात करें तो आपका कौन होता है यहां पर बोरोन होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है मैंने क्या कहा साइज के अलावा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करती है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पर तो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की यहां पर अपन बात करते हैं नाइट्रोजन का कॉन्फिगरेशन क्या होता है 1H2, 2H2, 2H2, 2P3. पी में मैग्जिम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है सिक्स यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है थ्री इसका मतलब ये हाफ फिल है तो एक बात हमेशा ध्यान रखे फुल फिल ऑर्बिटल और हाफ फिल ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी अपरित या वैकेंट ऑर्बिटल से आपकी क्या हो जाती है अनकम्प्लीट ऑर्बिटल से क्या होती है ज़्यादा होती है तो कहने का मतलब ये स्टेबल है अब इसमें एडिशनल इलेक्ट्रॉन अगर देंगे तो या एनर्जी या तो बहुत कम रिलीज होगी या आप ये मान सकते हैं कि हो सकता है कि एनर्जी देनी भी पड़ जाए तो इसका मतलब यहां पर लिस्ट किसका होगा सबसे नाइट्रोजन का तो अपन यहां पर जाएंगे अपने नाइट्रोजन के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ फॉलोइंग है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निम्न में से किस प्रजाति की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिकतम है तो यहां पर देखें अपन सबसे पहले तो मैं आपके फ्लोराइड की बात कर लेता हूं तो फ्लोराइड क्या है आपका ए अगर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव और ये भी आपका ए नाइन अगर यहां इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे तो ये ए नाइन एडिशनल इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्सन क्रिएट करेगा इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन होगा नहीं करवाना पड़ेगा करवाना पड़ेगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी इसका मतलब ये आंसर तो आपका नहीं हो सकता ऑक्सीजन की ओर चलते हैं ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है मैं वेलेंस सेल के लिख रहा हूं सिर्फ टू एस राइट इसका मतलब इसके वेलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है सिक्स एडिशनल इलेक्ट्रॉन अगर इसमें ऐड करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है रिपल्सन क्रिएट करेगा मतलब यहां पे एनर्जी रिलीज तो होगी लेकिन थोड़ी कम होगी फिर यही बात यहां पर अप्लाई होगी जैसे फ्लोराइड के लिए हुआ ऑक्सीजन ये है ऑक्साइड ऑक्साइड बोले तो ए है यह भी नेगेटिव चार्ज है तो यहां पर अगर आप इलेक्ट्रॉन लेके आओगे तो एनर्जी यहां पर भी क्या होगी देनी पड़ेगी क्योंकि ए एडिशनल इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेगा रिपल्सन क्रिएट करेगा सेम चार्ज में क्या होता है रिपल्सन तो अब बच गया अपने पास ऑप्शन कौन सा सोडियम प्लस तो यह है सोडियम प्लस केटाइन है केटाइन है तो इसका जेड इफेक्ट बढ़ चुका है तो ऐसे में अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन गेन करवाओगे तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी इसको आप यू समझ सकते हैं सोडियम टू एट वन गैसेज यहां से यह गया सोडियम प्लस है प्लस इलेक्ट्रॉन गैस आयनाइजेशन एनर्जी आपको याद है आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है तो जितनी एनर्जी आप यहां पे दे रहे हो जब आप इसका रिवर्स प्रोसेस लोगे तो सेम रिएक्शन है जितनी आपने दी थी उतनी ही एनर्जी यहां से क्या होने वाली है रिलीज इसका मतलब यहां पे हाई एनर्जी रिलीज होने वाली है तो इनमें से सोडियम प्लस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी मैक्सिमम होगी नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं हाँ तो अब अपन बात करते हैं थर्टी फाइव क्वेश्चन की थर्टी फाइव क्वेश्चन में क्या कर रहा है आपको कॉलम फर्स्ट दे रहा है कॉलम सेकंड दे रहा है कॉलम फर्स्ट को और सेकंड को मैच करना है कि कॉलम फर्स्ट के लिए सेकंड का कौन सा स्टेटमेंट है जो अपने लिए सही होगा सबसे पहले मैं बात करता हूं हीलियम हीलियम की बात करें तो फर्स्ट इसके लिए दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की नेचर की बात कर रहा है यहां पर तो यहां पे अगर, अगर अपन सिंपल सी बात करें तो हीलियम का कॉन्फिगरेशन क्या होता है वन एच टू मतलब इसका डुप्लेट कंप्लीट है स्टेबल है इनर्ट गैस है इसको ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होती है ना इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है क्योंकि ये स्टेबल कंडीशन में है तो इसके लिए हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपन बोल नहीं सकते फिर उसके बाद में मैं बाद बात करता हूं दूसरा दिया है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन से होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर रखें और यह काम किसका है मेटल्स का मेटल्स का साइज लार्ज होता है इस वजह से वो इजी गोइंग इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं दूसरा यह कह सकते हैं कि उनके वैलेंस एल में वन टू थ्री के आसपास

तो अपन कौन से ऑप्शन के साथ जा सकते हैं ए के लिए अपन मैच करते हैं ए आपका मैच हो रहा है फोर्थ के साथ क्लियर फिर बात करते हैं अपन किसकी क्लोरीन की क्लोरीन की बात करें तो वही कॉन्फिग्रेशन चाहिए होता है अपने को तो क्लोरीन का कॉन्फिगुरेशन वन एस टू टू एस टू टू पी फाइव सॉरी पी सिक्स थ्री एच टू थ्री पी फाइव क्लियर अब अपन ऑप्शन की तरफ रीड करते हैं ये कह रहा है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो यहां पे कॉन्फ़िगरेशन से पता चल रहा है कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और ले लेगा ले तो इसके सेवन इलेक्ट्रॉन तो है एक इलेक्ट्रॉन और ऐड होती है एट इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं ये कह सकता हूं कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है तो बी का मैच कर रहे हैं अपने बी मैच हो रहा है आपका फर्स्ट के साथ क्लियर अब अगर अपने को कंपटीशन में ये क्वेश्चन मिलता है करना है तो ऐसे ऑप्शन सिर्फ फोर्थ में है फोर्थ के साथ चले जाएंगे अपन अपन आगे को और मैच करके देखते हैं बाकी क्वेश्चन अपने को समझना है यहां कैल्शियम कैल्शियम क्या है मेटल्स है और मेटल्स के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि मेटल्स की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होती है इसका मतलब मेटल्स होती है वो मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं तो अपन सी को मैच कर देंगे किसके साथ सेकंड के साथ फिर आपका आता है लिथियम डी वाला लिथियम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन ई पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उसमें लिथियम को सबसे ऊपर पोजिशन मिला है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में होता क्या है एटम्स को या एलिमेंट्स को उनके रिड्यूजिंग अपन बात करें रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है क्लियर तो देखा जाए तो ये ऊपरी ऊपर है इसकी पोजीशन तो ये आपका कैसा होगा यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूजिंग एजेंट क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे हाई होता है मैंने क्या कहा ईसीएस ईसीएस की अपन बात कर लेते हैं ईसीएस में क्या होता है इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज सबसे ऊपर लिथियम होता है और इसमें नीचे की तरफ जैसे ही चलते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू तो बढ़ती है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है कम होती है तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका होता है जो सबसे ऊपर होता है और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है वो आपका सबसे अच्छा रिडीजिंग एजेंट माना जाता है तो लिथियम सबसे अच्छा रिडीजिंग एजेंट होगा थर्ड तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका फोर्थ तो अपन फोर्थ के साथ जाएंगे राइट फिर अपन बात करते हैं थर्टी सिक्स क्वेश्चन की वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन इनकरेक्ट स्टेटमेंट निम्न में से कौन सा कथन असत्य है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है यहां पर पहला कह रहे हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर यह कह रहा है आपका कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है आयोनाइजेशन एनर्जी है वो नाइट्रोजन की ज्यादा है ऑक्सीजन से अपन देखते हैं यह बात सही है क्या तो इसका कॉन्फिग्रेशन लिखो जो चीज साइज से पता नहीं चलती है उसके लिए आप कॉन्फिगुरेशन काम में ले लिया करो

तो यहाँ पर हाफ फिल की स्टेबिलिटी लग जाएगी हाँ, एक चीज का ध्यान रखना ये सिर्फ वहीं पर अप्लाई होता है, है।, है, है? है एटॉमिक नंबर हाँ और एक आपका तो स्टेबिलिटी ज्यादा है तो यहां से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट राइट है नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन से अधिक होता है आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ज्यादा होगी किससे ऑक्सीजन से तो अपने को तो यहां पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है पहला तो राइट हो गया तो अपन सेकंड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरिन इज ग्रेटर That of chlorine. पिछले चार से उसकी इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी कम हो जाती है तो यहां पर देखो वो ही कंपेयर करवा रहा है फ्लोरिन और क्लोरीन में तो मैं बात करता हूं यह रहा आपका फ्लोरिन और यह आपका क्लोरीन इसमें 2P5 है और इसमें थ्री पी फाइव है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब और इलेक्ट्रॉन निकलता भी वैलेंस सेल से है. तो आप फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन तो 2p स्मॉल साइज 2P है इलेक्ट्रॉन भी कंप्लीटली लगभग लग लग फिल्ड है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन के लिए एक रिपल्सन मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां पर गेन होगा लेकिन एनर्जी कम रिलीज होगी क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन में क्या होता है 3p में इलेक्ट्रॉन एंटर करने वाला है 3p थोड़ा डिफ्यूज होता है लार्ज साइज होता है

अपन दो ऑप्शन और डिस्कस करते हैं कि ये कैसे करेक्ट है द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ इज ग्रेटर ये कह रहा है कि बेरिलियम आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज्यादा होती है तो देखो अपन यहां पर अपन बात करें ये तो है आपका बेरिलियम और ये आपका है बोरोन तो साइज के अकॉर्डिंग बात करें तो एक ही पीरियड के ही है।

तो बेरिलियम का कॉन्फिग्रेशन है क्या होता है टू एस टू में वेलेंस सेल के लिख रहा हूं फिर से ध्यान रखना यहां पे बोरोन की बात करूं तो टू एस टू टू पी वन और अपने पहले क्वेश्चन में एक इफेक्ट पड़ चुके हैं पेनेट्रेशन इफेक्ट वेदन क्षमता और पेनेट्रेशन इफेक्ट के लिए भी मैंने यह कहा था कि एस का पेनेट्रेशन पी से ज्यादा होता है रीजन क्या है एस है वो स्मॉल साइज है ठीक है और दूसरा न्यूक्लियस के क्लोज है सबसे बात तो ये देखो न्यूक्लियस के यहां पे क्या है क्लोज है क्लोज न्यूक्लियस पे क्लोज है तो न्यूक्लियस का जो जेड इफेक्ट है वो एस पर ज्यादा लगने वाला है कंपेयर टू पी तो बात आ जाओ यही पे मतलब यहां पर पेनेट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है और यहां पे इलेक्ट्रॉन पी से निकालना है और पी का पेनेट्रेशन इफेक्ट क्या है एस से कम होता है लेकिन यह इफेक्ट भी वही अप्लाई होता है जहां एटॉमिक नंबर में सिर्फ वन का डिफरेंस हो मतलब है कि जो सक्सेसिव एलिमेंट होते हैं जो कर्मागत एलिमेंट होते हैं उन्हीं पे यह चीज अप्लाई होती है तो आप देखो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है फोर और बोरोन का एटॉमिक नंबर है फाइव बिल्कुल एटोमिक नंबर में वन का डिफरेंस है यहां पे इलेक्ट्रॉन आपको जो निकालना है वो पी से निकालना है पी पर अट्रैक्शन कम है क्योंकि पेनेट्रेशन इसका कम है तो यहां से इजी गोइंग इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा यहां पे आपको इलेक्ट्रॉन एस से निकालना है एस का पेनेट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है और पेनेट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी मतलब थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहा है बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी आपके बोरोन से ज्यादा है अब अपन बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरिन इज ग्रेटर देन ऑफ़ क्लोरिन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ही ऐसी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है जो रूल के अकॉर्डिंग चलती है इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता तो आप इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के लिए याद रखो हमेशा इलेक्ट्रोनिकिविटी होती है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगी और ये हमेशा सही है ये ना तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है मतलब यहां पर तो आपको सिर्फ साइज देखनी है और आंसर टिका देना है तो फ्लोरीन और क्लोरीन का कंपैरिजन करवाना है तो फ्लोरीन सेकंड सेल का है और क्लोरीन आपका थर्ड सेल का है नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है तो साइज इंक्रीज होती है मतलब फ्लोरीन से क्लोरीन की साइज क्या है ज्यादा है और साइज क्लोरीन की ज्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोनिटी किससे कम है फ्लोरीन से तो किसकी ज्यादा होगी यहां पर फ्लोरीन की तो ये कह रहा है कि ऑफ ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट क्लोरीन तो स्टेटमेंट भी अपना क्या है करेक्ट है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने को सिर्फ कौन सा मिला सेकंड तो अपन यहां पे कौन से आंसर के साथ जाएंगे सेकंड के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं क्वेश्चन थर्टी सेवन द एसिडिक बेसिक एंड एम्फोटेरिक रेस्पेक्टिवली आर क्षारीय तथा उबेदी ऑक्साइड कौन से हैं? तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं एसिडिक ऑक्साइड जनरली ये कहा जाता है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ना मैं बात ध्यान से सुनना भाई जनरली की बात कर रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ऐसा होगा एसिडिक ऑक्साइड इनको अगर आप वाटर में डिजोल्व करोगे वे ऑक्साइड जिनको वाटर में डिजोल्व करने पर वो एसिड बनाते हैं फॉर ले लो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में जैसे CO2 है CO2 को आपने वाटर में डिजोल्व कर दिया तो ये क्या बना है एस टू सीओ थ्री एच टू सीओ थ्री क्या है आपका कार्बोनिक एसिड एसिड बन रहा है इसका मतलब है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जनरली आपके कैसे होते हैं एसिडिक फिर दूसरा आता है आपका बेसिक ऑक्साइड

क्या है बेस तो बात समझ में आ गई एक होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं एज वेल एज बेस ठीक उसी प्रकार बेस के साथ रिएक्शन करेंगे एक चीज याद रखो आप इनके लिए बेरिलियम जिंक एल्यूमिनियम टिन और आपका लेड मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इन्हीं के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं लेकिन ये वो मेटल्स हैं जो एम्फोटेरिक हैं। और एक चीज का आप हमेशा याद रखो एम्फोटेरिक जो मेटल होती हैं, उनके ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होती है उनकी हाइड्रेटेड फॉर्म भी एम्फोटेरिक होती है और उनके हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक होते हैं और यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आप ये ध्यान रखना ये वो मेटल्स हैं जो एम्फोटेरिक हैं मतलब ये वो मेटल हैं जो एसिड से भी रिएक्शन करती हैं और बेस से भी रिएक्शन करती हैं जैसे एसिड से करके सोल्ट बनाती हैं ठीक उसी प्रकार ये बेस से रिएक्शन करके भी आपकी क्या बनाएंगी सोल्ट बनाएंगी इनके ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक माने जाएंगे और इनके हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक माने जाएंगे अब दोनों के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं तो अपने एक काम करते हैं ना अपने पास एलुमिनियम देखो मैंने एल्यूमिनियम लिखा है इसमें एलुमिनियम है तो आप यहां से समझाओ एल्युमिनियम एम्फोटेरिक होने वाला है और इसी को एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूं ये है आपका ए एल टू एसिड से रिएक्शन करवा दो नहीं कर रहा हूं रिएक्शन है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहां होती है एसिड और बेस के साथ तो एसिड तो ये रहा इसका मतलब ये यहां पे कैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है बात समझ रहे हो अगर इसी की रिएक्शन में ए एल टू ओ थ्री बेस से करवा दूसरा तो मतलब और water, और यह यहाँ पे है, तो यह मतलब यह एसिड से भी रिएक्शन कर रहा है और बेस से भी रिएक्शन कर रहा है मतलब ए एल टू ओ थ्री आपका यहां पर क्या है एम्फोटेरिक ऑक्साइड है क्लियर तो एम्फेटेरिक ऑक्साइड समझ में आ गया एक होता है न्यूट्रल ऑक्साइड इसमें बात नहीं की है लेकिन जब ऑक्साइड अपन पढ़ ही रहे हैं तो न्यूट्रल ऑक्साइड और देख लेते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड वो होते हैं जो ना तो एसिड से रिएक्शन करते हैं ना बेस से रिएक्शन करते हैं रिएक्शन हमेशा या तो मीडियम में होगी या एक्वस में और एक्चुअली क्या होता है ये न्यूट्रल ऑक्साइड आपके वोटर में डिजोल्व ही नहीं होते और वोटर में डिजोल्व नहीं होते तो ये कोई सी भी प्रॉपर्टी शो नहीं करते इसमें नाइट्रोजन के दो दो हैं एक तो नाइट्रस ऑक्साइड जिसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है हास्य गैस जिसको कहते हैं एक आपका हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड और एक आपका हो गया सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड ये तीन आपके न्यूट्रल ऑक्साइड हैं, राइट आपको ये ध्यान में रखना है तो अब अपने ऑप्शन की तरफ आते हैं भाई एन टू ओ थ्री ये बिल्कुल एसिडिक है एसिडिक की बात की थी रेस्पेक्टिवली बताना है मतलब कि पहले एसिडिक को बताना है तो एन टू ओ थ्री एन टू ओ थ्री की मैं अगर बात करूं इसको एक बार रेज कर देते हैं ऑप्शन पे चलते हैं एन टू ओ थ्री बिल्कुल ये एच टू से रिएक्शन करता है तो आपका एच एन ओ टू और एच एन ओ थ्री दोनों प्रकार के ऑक्साइड बनाता है ठीक है तो यहां पे अपन बात करें एन टू थ्री तो बिल्कुल ये एसिड बना रहा है मतलब ये एसिडिक ऑक्साइड है तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक जा रहा है दूसरा बात कर रहा है कि दूसरा बेसिक होना चाहिए तो बिल्कुल एल आई टू ओ ऑक्साइड है और आप इसकी बेस से रिएक्शन करवा दो लिथियम बेस बन रहा है तो ये तो क्या हो गया एसिडिक हो गया ये कैसा हो गया बेसिक हो गया और अभी बताया था आपको एल टू थ्री कैसा हो गया एम्फोटेरिक हो गया Done. तो अपने को वही तो बताना है यहां पे पहला एसिडिक होना चाहिए दूसरा बेसिक होना चाहिए तीसरा एम्फोटेरिक होना चाहिए अपने को आंसर मिल गया फर्स्ट लेकिन बाकी के ऑप्शन पे और स्टडी कर लेते हैं ये सी एल टू नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है क्या मैंने इसको न्यूट्रल में डिस्कस किया नहीं किया ना इसका मतलब ये बिल्कुल कैसा है एसिडिक है तो बात तो ये भी सही होगी एसिडिक है फिर कैल्शियम ऑक्साइड मेटेलिक है तो ये बेसिक ऑक्साइड है और ये फिर से नॉन मेटेलिक आ गया तो ये फिर से एसिडिक हो गया मतलब तीसरा अपने को एम्फोटेरिक चाहिए था इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है इसके पास चले एम तो मेटेलिक ऑक्साइड है ये बिल्कुल बेसिक ऑक्साइड हो गया तो पहला ही गलत हो गया ये तो क्योंकि पहला एसिडिक ढूंढना था अपने को दूसरा सी एल टू यह एसिडिक है और तीसरा एम फोटे मतलब अपने थर्ड ऑप्शन भी यहां पे गलत है फिर इसके पास आओ पहला फिर से बेसिक हो गया मैंने अभी का एग्जांपल देके समझाया था एसओ थ्री बिल्कुल नॉन मेटेलिक है एसिडिक ऑक्साइड है और ये आपका एम फोटेरिक तो मतलब ये भी आपका गलत हो गया तो अपना आंसर कौन सा रहेगा इसमें फर्स्ट रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आप चलते बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इज बोर कार्बन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है एक चीज हमेशा याद रखो भाई चाहे पीरियडिसिटिक प्रॉपर्टी साइज की बात करें चाहे प्रॉपर्टी, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें कहने का मतलब जब भी पीरियोडिसिटिक प्रॉपर्टी पूछे ना तो जो एलिमेंट आपको दे रहा है ना पहले सबसे उनकी पोजिशन आइडेंटिफाई करो कि वो पेरियोडिक टेबल में है कहां तो यहां पे को इनको देख के पता चल रहा है कि सारे के सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं तो इनको अरेंज कर देता हूं सबसे पहले बोरोन आता है फिर कार्बन आता है फिर नाइट्रोजन आता है फिर ऑक्सीजन आता है अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताना है तो इधर जा रहे हैं तो अगर मैं साइज के ऑर्डर की मैं अगर यहां पे बात करता हूं तो साइज तो एल टू आर चलने पर कम होती है और मैंने पहले कहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पर इंक्रीज होनी चाहिए इंक्रीज होनी चाहिए तो सबसे कम बोरॉन है फिर उससे ज्यादा आपका कार्बन है ऐसे होना चाहिए समझ रहे हो ना लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि मैंने क्या कहा साइज के साथ साथ स्टेबल कॉन्फिग्रेशन का भी रोल होगा तो इसका कॉन्फिग्रेशन क्या होता है 2p1 वैलेंस सेल में लिख रहा हूं सिर्फ पी के इसका 2p2 इसका 2p3 इसका टू पी फोर तो ये स्टेबल कॉन्फिग्रेशन आ गया और स्टेबल कॉन्फिग्रेशन है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं तो ऑर्डर तो अगर मैं बात करूं ये का ये हो जाना चाहिए था ये हो जाना चाहिए था लेकिन ये क्या आ गया टू पी थ्री स्टेबल कॉन्फिग्रेशन है ये हाफ फिल ये स्टेबल गया। एक चीज हमेशा ध्यान रखो जब भी एक पीरियड के एलिमेंट आप इस क्या करते हो शो करते हो तो इनको ऐसे करना चाहिए आपको एक जैसे पीरियड एक बार इसको मैं एराज करता हूं। जैसे मैं बात करता हूं एक पीरियड की सेकेंड पीरियड की पूरे की कंप्लीट की मैं बात कर लेता पहले सबसे पहले कौन आता है सेकंड पीरियड में आपका लिथियम फिर बेरिलियम फिर बोरॉन फिर कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन और नियोन अपना पूरा इसी में आ जाएगा ये इसको डिस्कस कर लेते हैं आगे भी क्या पता काम में आ जाए तो यहां पे देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी इधर जाने पर साइज की तो साइज इधर जाते हैं तो डिक्रीज होती है बस इनर्ट गैस अब रेडी के कारण अब नॉर्मली सबसे लार्ज हो जाता है क्लियर अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साइज के साइजर्सली जा रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो साइज के क्या जा रहा है इनवर्सली राइट right? तो उस हिसाब से साइज इधर डिक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट है इनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बोल दी जाती है जीरो इसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो ऑलमोस्ट जीरो बोल दी जाती है मतलब इनर्ट गैस से थोड़ी सी ज्यादा कौन है ये सेकेंड है क्लियर फिर मैं बात करता हूं किसकी ये इसका हाफ फिल कॉन्फिग्रेशन है टू पी थ्री तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वेरी लो फिर एक एक्सेप्शन होता है ये इसका कॉन्फिग्रेशन होता है टू एस वन और इसका होता है टू पी वन तो हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2s1 की ज्यादा होती है 2p1 से ये चीज याद रखना भैया माइंड इट यह आपको याद रखनी है मतलब कि अपन ये तो पढ़ते हैं ही है इसके अलावा सेकेंड और थर्ड पीरियड में एक वेरिएशन और होता है जिसके ऊपर अपना ध्यान नहीं जाता है वो कौन सा है 2s1 या बोले जाए तो इसी की बात नहीं करता हूं मैं क्योंकि थर्ड पीरियड के लिए भी मैं बोल रहा हूं तो मैं इसकी बात यूं कर लेता हूं एन एस वन है, एन पी वन क्लियर तो यहां पे आओ इसका टू एस वन है इसकी टू पी वन है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी ज्यादा होगी तो सबसे कम तो किसकी है नियोन की इससे ज्यादा किसकी है बेरिलियम की इससे ज्यादा नाइट्रोजन की इधर जाने पर इंक्रीज करनी है फिर इन दोनों में से अभी आपको पता चला बोरोन की फिर बेरिलियम की उसके बाद में किसकी है कार्बन की उसके बाद में किसकी है ऑक्सीजन की और फिर लास्ट में कौन आ गया फ्लोरीन और अपने को अरेंज किसको करना है पे देखो अपने को अरेंज करना है क्वेश्चन में पता चल रहा रहा है है एक एक तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन को ये किसको अरेंज करना कार्बन को ये रहा कार्बन एक अरेंज करना है किसको नाइट्रोजन को ये रहा आपका नाइट्रोजन एक अरेंज आपको करना है यहां पर बोरॉन को ये रहा तो ऑर्डर क्या हो गया यहीं से ले लो नाइट्रोजन उससे ज्यादा बोरॉन उससे ज्यादा बेरिलियम को तो लेना ही नहीं है ना यहाँ पे उससे ज्यादा कार्बन और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन तो ये ऑर्डर कहां पे मैच हो रहा है देख लेते हैं नाइट्रोजन बोरोन कार्बन ऑक्सीजन तो आपका कौन सा ऑप्शन जा रहा है थर्ड तो अपना आंसर हो गया थर्ड मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक पीरियड में कैसे वेरी करती है इस सवाल के माध्यम से समझा दिया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन प्रोसेस रिक्वायरिंग द of एनर्जी इज प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषण होता है अरे घुमा फिरा करके वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर दी न्यूट्रल एटम जब भी आपका क्या करता है इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनर्जी अब्जोर्व भी हो सकती है रिलीज भी हो सकती है लेकिन एनआईन जब भी इलेक्ट्रॉन लेता है तो वहां पर हमेशा एनर्जी क्या होती है अब्जोर्व होती है देन, देनी पड़ती है मतलब फॉर्मेशन ऑफ पॉली या फॉर्मेशन ऑफ इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस तो देखो पहला ऑप्शन फ्लोरीन से फ्लोराइड बन रहा है तो पहला इलेक्ट्रॉन ही तो गेन कर रहा है यहां पर आपकी होगी वो नेगेटिव होगी एनर्जी रिलीज होगी मतलब ये तो नहीं है फिर दूसरा क्लोरीन ये भी यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और गेन करते ये भी स्टेबल हो जाएगा टू सेवन से ये टू एट हो गया और इसी प्रकार ये भी टू एट एट, एट टू एट सेवन से टू एट एट हो जाएगा तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे आ जाएगी नेगेटिव तो ये भी आंसर आपका नहीं होगा फिर आते हैं थर्ड के पास तो ऑक्सीजन सबसे पहले ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये जाएगा ओ माइनस तो इसकी फर्स्ट वो होगी कैसी नेगेटिव राइट फिर इसको और इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है क्योंकि आपको ऑक्सीजन से सीधा के पास जाना है तो एक इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा तो ये एडिशनल इलेक्ट्रॉन के लिए क्रिएट करेगा तो तो ये में जाएगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो सेकंड आएगी वो पॉजिटिव आएगी अब एक चीज हमेशा याद रखो सक्सेसिव चाहे आयनाइजेशन एनर्जी हो और सक्सेसिव चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो वो हमेशा ही इंक्रीज होती है मतलब आई ई वन से बड़ा होगा आई ई टू आई ई टू से बड़ा होगा आई ई थ्री ऐसे चलेगा ऑर्डर वैसे ही ई ए वन से बड़ा होगा ई ए टू ई टू से बड़ा होगा ई ए थ्री और इसमें एक चीज का याद रखना भैया पहला भले ही नेगेटिव हो सकता है आगे वाली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा ही पॉजिटिव होंगी तो देखो यहां पे दो ई ए आई ई ए फर्स्ट और ई ए सेकेंड और बोल रहा है कि ई ए सेकेंड की वैल्यू ज्यादा होती है फर्स्ट से तो रिजल्टेंट अगर इसका देखा जाए तो पॉजिटिव ही आएगा मतलब यहां पर एनर्जी अब्जोर्व होने वाली है तो अपना आंसर जाएगा यहां पे कौन सा थर्ड लास्ट वाला देखें हाइड्रोजन है हाइड्रोजन को भी जब आप इलेक्ट्रॉन गेन करवा करवाओगे तो वन एस टू से ये टू वन एस वन एस वन से ये की ओर जा रहा है, मतलब स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो नेगेटिव ही होगी तो अपना आंसर जाएगा यहां पे थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं फोर्टी थर्टी नाइन क्वेश्चन अपन देख चुके हैं फोर्टी का विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इन मेकिंग फ्लोरिन द स्ट्रॉगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हेलोजन में से कौन सा कारक है जो फ्लोरीन को परबल ऑक्सी कारक हेलोजन बनाने में महत्वपूर्ण तो है तो सबसे पहले तो यह देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है सबसे पहला फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है बॉन्ड डिवाइडेशन एनर्जी पहला इसको मैंने क्यों लिया क्योंकि आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बात करोगे तो वो जनरली नॉन मेटल्स होती है नॉन मेटल्स में भी हेलोजन और हेलोजन जो आपकी होती है वो आपकी कैसे होती है डाइएटोमिक होती है और हेलोजन की अपने को यहाँ पे बात करनी है तो वो डाइएटोमिक है तो सबसे पहले तो उसको क्या करना है एटम्स में डिवाइड करना है तो उसका बीच का जो बॉन्ड है वो तोड़ना पड़ेगा तो पहला आ गया बॉन्ड डिवाइडेशन एनर्जी बॉन्ड डिवाइड बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी हमेशा देनी पड़ती है तो ये हमेशा कैसी होगी पॉजिटिव होगी दूसरा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है आपका ई एलोजन की बात कर रहा हूं मैं ई एलोजन के लिए कैसी होती है नेगेटिव होती है थर्ड मैं बात कर रहा हूं किसकी हाइड्रेशन एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी का भी रोल होता है क्योंकि ये सारे काम जो होते हैं ना वो एक्वास मीडियम में होते हैं भाई तो आपका यहां हाइड्रेशन एनर्जी मतलब अगर कोई आयन है वो वाटर में डिजोल्व होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं रिलीज होती है मतलब नेगेटिव है तो एक हेलोजन के लिए ये एनर्जीज होती हैं जो उसके ऑक्सीडाइजिंग बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है और जिसके लिए रजेंटेल्ड एनर्जी है इनका टोटल है, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाएगा तो आपको पता है फ्लोरीन की बात करूं तो उसका ई तो क्लोरीन से कम होता है तो ये तो ज्यादा नेगेटिव बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है नहीं मैं बात कर लेता हूं जैसे फ्लोरीन और ये क्लोरीन का कंपेरिजली कर ले बॉन्ड डिवाइडेशन एनर्जी यहां से मैं देखता हूं बॉन्ड डिवाइडेशन एनर्जी की मैं बात करूं तो बॉन्ड डिवाइडेशन एनर्जी की अपन बात कर लेते हैं तो फ्लोरीन फ्लोरीन के अंदर जब भी बॉन्ड तोड़ा जाएगा ठीक है तो फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड डिवाइड करने का मतलब यहां पर बैलेंस सात इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से एक तो यहां बॉन्डिंग कर चुका है सिक्स और बच गए तो स्मॉल साइज है और यहां पे इसके पास तीन पेर, तीन पेर इसके पास पास तीन तीन लोन लोन पेयर पेयर तो हाईली लगेगा ये बॉन्ड इजी गोइंग टूट जाएगा मतलब इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है कम होती है मान लो कि ये 50 किलो कैलोरिन किलो जूल है पर मोडो सिर्फ ये मैंने एज्यूम किया है ऐसे ही मतलब कहने का मतलब फेंका है रे फिर मैं बात करता हूं कि इसकी क्लोरीन की क्लोरीन की साइज लार्ज है वही लोन पेयर इसके तीन तीन लेकिन इसकी लार्ज साइज है तो लोन पेयर थोड़े दूर है तो यहां पे यह रिपल्सन क्या लगने वाला है कम लगने वाला है तो बॉन्ड को यहां पे अगर तोड़ना है तो एनर्जी थोड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी तो ये आपकी मान लो लगभग हंड्रेड के आसपास देनी पड़ रही है किलो जोल पर क्लियर फिर ईए की मैं बात करू फ्लोरीन है अभी ने देखा फ्लोरीन की स्मॉल साइज होती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है इसलिए इसकी क्लोरीन से कम होती है तो मान लो ये माइनस फिफ्टी किलोजूल मोल है और ये आपकी माइनस हंड्रेड किलोजूल मोल है फिर हाइड्रेशन एनर्जी तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा आयन बन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो आयन बन जाएगा और क्लोराइड आयन से फ्लोराइड आयन बहुत ज्यादा छोटा है और जो आयन जितना ज्यादा छोटा होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन ये इतनी ज्यादा हो जाती है ऑलमोस्ट मान लो कि पहुंच गई थाउजेंड किलोजूल पर मोल और इसकी रह गई मान लो कि आपकी हंड्रेड इतना वेरी हो जाता है तो इसका मान इसकी वैल्यू मैक्सिमम नेगेटिव किसकी वजह से है हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से तो इनमें हाइड्रेशन एनर्जी तो ऑप्शन दिया नहीं भाई फिर उसके बाद में अगर ये, ये जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना अच्छा होगा लेकिन ये तो ज्यादा नेगेटिव किसका है क्लोरीन का है तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन होता उसके लिए तो आंसर अपन किसको कर सकते थे ये को लेकिन ये तो इसके लिए कम है नेगेटिव में अब इसकी नेगेटिव वैल्यू बढ़ाने में रोल किसका है

आयनाइजेशन आयनाइजेशन एनर्जी का कोई रोल ही नहीं है तो ये भी गया ये भी गया फिर सब्लिमेशन बात ही नहीं कर रहे हैं सब्लिमेशन की तो कोई रोल ही नहीं होता इसमें बात आ गई ना समझ में बिल्कुल सिंपल सी चीज है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 41 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज सबसे अधिक विद्युत ऋणी ऋणात्मक तत्व कौन सा है तो ये सबको देख लो क्लियर दो तो सेकेंड पीरियड के हैं और दो आपके थर्ड पीरियड के हैं कैसे ये कार्बन है ये तो बेरिलियम है फिर ये आपका कार्बन है इसी प्रकार ये कौन से से सेकेंड से है ये फोर्टीन ग्रुप से है और पीरियड इसका हो गया सेकेंड थर्ड पीरियड से कौन है ये सिलिकन है और कौन है यहां पे दिया नहीं थर्टीन से कौन दिया है यह एल्यूमिनियम क्लियर तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसकी होगी तो देखो इधर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो बेरिलियम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है कार्बन की और एल्यूमिनियम से ज्यादा है सिलिकन की नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती है तो कार्बन से कम है सिलिकन की तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव यहां पर कौन आ गया कार्बन और अगर डेटा याद है तो आप डेटाओं से देख लो इसकी कितनी होती है आपकी 2.5 होती है जो सबसे ज्यादा है क्लियर इसकी 1.5 के समथिंग ही होती है क्लियर इसकी आपकी 1.5 के समथिंग होती है और इसकी 1.8 के समथिंग होती है खैर डेटा याद ना हो तो भी अपन आंसर के पास पहुंच गए कौन सा है कार्बन के पास नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल एलिमेंट्स आर अरेन्ज इन दर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज इन द सिक्वेंस निम्न में से किस क्रम में तत्व ऋण विद्युतता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है बात तो वही नाइट्रोजन है फॉस्फोरस है फॉस्फोरस से पहले यहां सिलिकन है पोजीशन देख रहा हूं इनकी फेरिडिक टेबल में फिर आपका यहां पे ब्रोमीन है यह कौन सा है फिफ्टीन ग्रुप है यह 17 ग्रुप का दे रखा है और यह आपका सेकंड पीरियड है यह थर्ड पीरियड है और यह आपका फोर्टीन ग्रुप है तो देखो इधर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज होती है इधर डिक्रीज होती है तो इनमें से तो इसकी है अब इनमें देखना है मेनली तो यहाँ पे देखो थोड़ा डेटा याद होना चाहिए इसकी तो एक्टिविटी होती है आपकी 3.0 और इसकी एक्टिविटी होती है 2.8 क्लियर तो यहाँ से पता चल गया सबसे कम तो है सिलिकॉन की इसकी होती है 2.1 फिर उससे ज्यादा फास्फोरस की फिर इससे ज्यादा आपकी किसकी आ जाएगी ब्रोमीन की और सबसे ज्यादा किसकी आ जाएगी नाइट्रोजन की ये 3.0 ये 2.8 ये 2.1 और ये आपकी वन पॉइंट एट तो ऑर्डर कौन सा आ गया सिलीकन फास्फोरस, ब्रोमीन एंड नाइट्रोजन तो आप थर्ड आंसर के साथ चले जाएंगे राइट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन, विच ऑफ विच ऑफ दी हैव नो यूनिट निम्न में से किसकी यूनिट नहीं होती इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की यूनिट नहीं होती भैया इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होता क्या है इलेक्ट्रॉन को अपनी और मान लो कि इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो इस पर पार्शियली नेगेटिव और इस पर पार्शियली पॉजिटिव आंशिक और आंशिक ऋणावेश आते हैं कंप्लीट चार्ज नहीं आते कंप्लीट चार्ज हो जाता तो वहां पर तो तो आयनिक बॉन्ड बॉन्ड होता आयंस बनते ठीक है है कोवेलेंट की प्रॉपर्टी एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयरिंग इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है ना उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोनिटी इसकी यूनिटें नहीं होती बाकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की यूनिट होती है आयनाइजेशन एनर्जी की यूनिट होती है और एक्साइटेशन पोटेंशियल इसकी भी यूनिट होती है वही किलो जूल अब वो आप चाहे पर एटम के लिए ले लो पर मोल के लिए ले लो ठीक है एनर्जी है ये ये सारी की सारी और एनर्जीज की क्या होती है यूनिट होती है व्हिच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनमें से कौन सा तत्व है अधिकतम विद्युत ऋणता प्रदर्शित करता है बड़ा आसान सा सवाल है इसको तो मैं काट देता हूं सबसे पहले मेटल मेटल्स, मेटल्स है मेटल्स की एक्टिविटी नॉन मेटल से कम होती है फिर उसके बाद में यह बच गई तो यह आपका सेकेंड पीरियड का है कार्बन फिर यह आपका ऑक्सीजन और यह सल्फर तो कार्बन 14 ग्रुप से है या आपका 16 ग्रुप से है इससे ज्यादा आपकी किसकी होती है ते हैं तो इंक्रीज होती है ये इधर जाते हैं तो डिक्रीज और इधर जाते हैं तो इंक्रीज होती है तो सबसे पता चल रहा है कि आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी कौन रख रहा है ऑक्सीजन रख रहा है साफ साफ पता चल रहा है ऑक्सीजन की सल्फर से भी ज्यादा है ओ सॉरी उल्टा लिख दिया गया ये साइन साफ साफ पता चल रहा है ऑक्सीजन की नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉनिक्टिविटी कम होती है ना तो ऑक्सीजन की सल्फर से भी ज्यादा है कार्बन से भी ज्यादा है और ये मेटल हो गया इसकी तो सबसे कम है या वैसे अगर डेटा याद है तो इसकी 2.5 है इसकी भी 2.5 है तो इन दोनों की तो ऑलमोस्ट सेम है और इसकी 3.5 पॉइंट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है तो अपना आंसर आ जाएगा थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन बिटवीन एच एफ एस सी एल एच बी आर एंड एच आई एच एफ हैज द हाइएस्ट आयनिक करेक्टर बिकॉज ये कह रहा है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन ब्रोमाइड तथा हाइड्रोजन आइडाइड में से हाइड्रोजन फ्लोराइड का आयनिक स्वरूप सबसे अधिक उच्च होता है मतलब इसमें आयनिक सबसे ज्यादा होते हैं राइट right? उसका रीजन अपने को बताना है पहला कह रहा है फ्लोरिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर हाइएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो वो तो क्लोरीन की होती है समझ गए उस हिसाब से तो आपका एस ज्यादा आयनिक होना चाहिए बात खत्म करें जब कोई सवाल हो ना उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि कौन सा सही हो रहा है कंफ्यूज आपको कर रहा है तो आप जो सबसे ज्यादा रॉन्ग है उन को दो, फिर के होने की हो जाएगी। तो इनऑर्गेनिक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है अगर किसी क्वेश्चन को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो सही तरीके से तो उसके जो आपको स्टेटमेंट सबसे रॉन्ग लगते हैं उनको हटाते चलो फिर कह रहा है इन एच एफ डिफरेंस इज हाइएस्ट हाँ बिल्कुल ये इस बात के साथ मैं थोड़ा एग्री करता हूँ भाई एच एफ एच सी एल एच बी आर और एच आई इसमें इसकी एक्टिविटी तो बिल्कुल सेम है 2.1 2.1 2.1 और 2.1 इसकी वन इसकी है 4.0 इसकी 3.0 इसकी 2.8 और इसकी 2.5 तो यहाँ पर तो एक्टिविटी डिफरेंस है वो 0.4 का है ठीक है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है वो 0.7 का है यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है आपका 0.9 का रहा आ रहा है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है आपका वो आ रहा है 1.9 का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और गैलिस बोलता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपका

आयनिक रेडियस आयनिक रेडियस तो सबसे ज्यादा आयोडाइड की है और आयनिक अगर ए नाइन की रेडियस ज्यादा होगी ना तो उसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होंगे उसका फैजान रूल से देखो पोलराइजेशन ज्यादा हो जाएगा क्लियर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन है ऑलमोस्ट सिमिलर एजेज वो तो सिर्फ ओवरलैपिंग डिपेंड करती है और लिपिंग तो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है मैं तो इसके साथ भी एग्री नहीं करता तो अपना आंसर कौन सा से जाएगा सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट पोलर बॉन्ड इज सबसे अधिक ध्रवीय बंद जहां पर इलेक्ट्रोन एक्टिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है ना वो सबसे ज्यादा पोलर है आ जाओ ऑक्सीजन फ्लोरिन नाइट्रोजन क्लोरिन नाइट्रोजन फ्लोरिन

इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक्टिविटी कितनी होती है थ्री पॉइंट जीरो ऑलमोस्ट सेम हो गई तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्टिविटी डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो ही रहेगा क्लियर पोलर तो होगा क्योंकि इसकी साइज़ लार्ज होती है इसकी साइज स्मॉल होती है तो कंपेरिटिवली इससे थोड़ा सा इसकी मान लेते हैं कि ज़्यादा हो जाती है तो अगर चार्ज देना चाहें तो ये पार्सली पॉजिटिव बन जाता है ये पार्सली ये पार्सल नेगेटिव बन जाता है ये पार्सली पॉजिटिव बन जाता है लार्ज साइज वाला पॉजिटिव बन जाता है ठीक है तो पोलरिटी तो आ जाती है लेकिन इतनी नहीं आ पाती है फिर ऑक्सीजन फ्लोरीन इसकी थ्री पॉइंट फाइव है इसकी फोर पॉइंट जीरो पॉइंट फाइव ज्यादा इलेक्ट्रोन एक्टिविटी डिफरेंस तो आपका कौन सा हो गया नाइट्रोजन और फ्लोरीन राइट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट में से कौन सा कथन है जो गलत है फ्लोरिन इज मोर इलेक्ट्रोन देन क्लोरिन तो देखो ये 17 ग्रुप के हैं फ्लोरिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आइडीन मैंने पहले कहा था इलेक्ट्रोनेक्टिविटी साइज के इनवर्स चलेगा और यहां पर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है तो फ्लोरिन की इलेक्ट्रॉनिकविटी क्लोरीन से ज्यादा है पहला स्टेटमेंट तो है करेक्ट अपने तो इन करेक्ट देखना है नाइट्रोजन हैज ग्रेटर आईन देन ऑक्सीजन है बिल्कुल ये अपन पहले पढ़ चुके ये नाइट्रोजन ये ऑक्सीजन है टू पी थ्री ये टू पी फोर एटॉमिक नंबर में सिर्फ वन का ही डिफरेंस है और एटॉमिक नंबर में जहां वन का डिफरेंस होता है और हाफ फिल और फुल और फुल हाफ फिल फिल ऑर्बिटल या की स्टेबिलिटी आ जाती तो हाफ फिल की स्टेबिलिटी आ गई ना तो वहां पर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो जहां पर एटॉमिक नंबर में वन का डिफरेंस है वहीं अप्लाई होगा ये रूल तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है किससे ऑक्सीजन से तो बात तो ये भी सही है लिथियम है एम्फोटेरिक है अरे लीथियम नहीं है एम्पोटेरिक तो कौन है बेरिलियम है एल्यूमिनियम है टिन है लेड है और जिंक है ये मेटल है सिर्फ एम्पोटेरिक जिनमें से एक एस ब्लॉक की है तीन पी ब्लॉक की है और एक आपकी डी ब्लॉक की है तो आपका फॉल्स स्टेटमेंट कौन हो गया लीथियम क्लोरीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिल्कुल जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा नेगेटिव होती है वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने जाते हैं तो आपका फोर्थ वाला भी सही है तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया थर्ड तो अपना आंसर हो गया थर्ड अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट इक्वेशन ऑफ डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रोन ऑफ एन एलिमेंट इज पोलिंग समीकरण तत्व की विद्युत ऋणात्मकता का निर्धारण करता है तीन इसके कहलाते हैं भैया पोलिंग मूलिकन और, और रेड रेचो तो इनमें ज्यादा कुछ नहीं करना है सीधा सीधा इनका रिलेशन पूछता है और कुछ भी नहीं करना है तो जो पोलिंग का रिलेशन होता है वो तो आपका होता है एक्स ए माइनस एक्स बी इज टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट टू जीरो एट ये तो पोलिंग का हो गया यहां पे ये जो है वो रेजोनेटिक एनर्जी है क्लियर ये कहां से क्या डेरिवेशन हो गया? इसके ज्यादा लफड़े में पढ़ने की जरूरत रिलेशन पूछता है तो एक ये याद एक पॉलिंग का पूछ लेता है किसके तो लिए हो गया, तो गया? पोलिंग के लिए फिर आपका आ गया ऐसे ही मूल्यन के लिए मूल्य के लिए आयनाइजेशन एनर्जी प्लस अपॉन आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लियर इनका एवरेज होता है हाँ एक चीज का ध्यान रखना जो पोलिंग एक्सपी है पोलिंग पोलिंग और एक्स पी है यह टू पॉइंट एट इसको यू भी कह सकता है मुलिकन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इज टू पॉइंट एट टाइम लार्जर पोलिंग इलेक्ट्रोनिटी क्लियर इसी प्रकार ऑल रेड वाला आता है उसमें क्या रिलेशन होता है पोलिंग जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है वो 0.359 पॉइंट एक्स ऑल रेड की ये इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है प्लस 0.744 पॉइंट सेवन फोर फोर ये फाइव है ये रिलेशन आपको याद रखने एक तो ये एक ये एक ये इससे तो ये बन ही जाएगा एक ये क्लियर तो आपका इसमें आंसर चला जाएगा कौन सा फर्स्ट क्लियर आप इसका स्क्रीन ले लेना द पोलराइजिंग एबिलिटी ऑफ विच विच वन ऑफ से किसकी दूरवन क्षमता सबसे अधिक होगी देखो एक तो होती है दूरवन क्षमता पोलराइजेशन पावर और एक होता है पोलराइज जो एनाइन होता है वो तो पोलराइज होता है और केटन होती है उसकी पोलराइजिंग पावर देखी जाती है ऐसा क्यों देखो ये आपका केटाइन हो गया और यह आपका एनाइन हो गया जनरली एनआईन बड़ा ही होता है क्लियर तो इसका न्यूक्लियस क्या करता है इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है ठीक इसी प्रकार इसके इलेक्ट्रॉन को यह अट्रैक्ट करता है दोनों तरफ होता है अट्रैक्शन तो इसमें क्या होगा कि इसकी साइज लार्ज

पोलराइजेशन है पावर ऑफ केटाइन ये होती है चार्ज अपॉन साइज जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना पोलराइजेशन ज्यादा करेगा केटाइन या केटाइन की साइज जितनी स्मॉल होगी वो उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन करेगा और इसी को एनाइन के लिए देखा जाए तो एनाइन बड़ा कब होता है जब उसकी चार्ज ज्यादा होती है ए तो नाइन के लिए देखा जाए तो जो पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया के A9 के लिए भी वही बात आ गई और साइज ए नाइन की जितनी ज्यादा बड़ी होगी उसका भी पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा तो ए नाइन के लिए देखा जाए तो उसके तो चार्ज और साइज दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा और केटाइन की बात करें तो चार्ज के तो डायरेक्टली और साइज के इनवर्सली अब देख लो स्मॉल पहला कह रहा है स्मॉल हाईली पॉजिटिव आइन छोटा हुआ है उच्च धनात्मक आयन बिल्कुल सही बात है छोटा चाहिए उच्च धनात्मक चाहिए तो इसकी होगी सबसे ज्यादा फिर लार्ज पॉजिटिव आइन बड़ा धनात्मक आयन ठीक है तो बिल्कुल बात तो यह भी सही है भाई कि धनात्मक चार्ज होता है ना लार्ज पॉजिटिव आयन बड़ा धनात्मक नहीं 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 सॉरी ये कह रहा है बड़ा धनात्मक आयन जो मैं आपका केट लार्ज हो नहीं उसकी साइज क्या होनी चाहिए स्मॉल होनी चाहिए तो यह गया थर्ड कह रहा है स्मॉल हाइली नेगेटिव आयन छोटा उच्च ऋणात्मक आयन मतलब कि एन आयन छोटा और ऋणावेश ज्यादा हो तो एन आयन ज्यादा होना चाहिए और साइज भी ज्यादा होनी चाहिए तो यह भी गया लार्ज नेगेटिव आयन हाँ, बात तो सही है लार्ज नेगेटिव आइन जो नेगेटिव आयन है वो थोड़ा क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए लेकिन मैंने क्या कहा पोलराइजिंग एबिलिटी ये किसकी देखी जाती है पोलराइजिंग के केटाइन की देखी जाती है तो केटाइन वाली कंडीशन अपन मस्त मानते हुए इसके साथ चले जाएंगे बात आ गई समझ में नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एलिमेंट्स इन वेरी लार्ज यदि दो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकताओं में अधिक अंतर होता है तब बंद की। अरे एक चीज हमेशा ध्यान रखो भैया अगर दो एटम जिनके बीच बॉन्ड प्रजेंट है उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा वो आयनिक करेक्टर की ओर बढ़ेगा और अगर इलेक्ट्रोनेगटिविटी डिफरेंस कम है तो वो कोवेलेंट करेक्टर की ओर ज्यादा आएगा कहने का मतलब ये ध्यान रखो ए और बी में बॉन्डिंग है अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस लार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और मोस्टली इस पर नेगेटिव आयन आ जाएगा मतलब आयनिक परेक्टर बढ़ेंगे क्लियर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस कम है तो ऐसे में क्या होगा कि कम एबिलिटी होगी इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की तो पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होंगे चार्ज कम होंगे तो कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होंगे तो आयनिक करेक्टर की ओर बढ़ेगा तो यह कह रहा है फिफ्टी परसेंट आइनिक हो गई तो तो भी हो चाहे आयनिक हो तो ये इस प्रकार के स्टेटमेंट के साथ तो कभी जाना ही नहीं है द बॉन्ड इज मोर कोवेलेंट देन आयनिक मैंने क्या कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ने का मतलब वो आयनिक करेक्टर की ओर जाएगा यह भी गलत हो गया द बॉन्ड इज मोर आइनिक बिल्कुल सही बात है आइनिक करेक्टर ज्यादा होंगे कहा जाता है कि एक्टिविटी डिफरेंस अगर वन पॉइंट सेवन से ज्यादा हो गए तो वो कंपाउंड ही आयनिक हो जाता है बस इसमें एक एक्सेप्शन है हाइड्रोजन फ्लोराइड यहां इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस वन पॉइंट नाइन का है फिर भी वो कोवेलेंट है फिर भी ये कैसा है कोवेलेंट है ये एक एक्सेप्शन है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन वेरिएबल वैलेंसी इज ए जनरल फीचर्स ऑफ परिवर्तन परिवर्तनीय परिवर्तनीय संयोजकता किसका सामान्य अभिलक्षण है तो हमेशा ध्यान रखो एल्केलाई मेटल है चार धातु उनकी प्लस वन होती है चार मर्दा धातुओं की प्लस टू होती है फिक्स सही है, है ऐसे ही पी ब्लॉक में तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेज जनरली कौन देते हैं पी ब्लॉक ऐसा क्यों क्योंकि उनमें एन माइनस वन डी और एन एस इन दोनों के ऑर्बिटल्स में या इन दोनों की जो सब सेल है इनमें एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है इस वजह से यह भी बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाता है इसके इलेक्ट्रॉन भी और एन माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं इस वजह से आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देता है सिर्फ एक्सेप्शन है इसमें एक तो कौन है थर्ड भी है। और एक सेकेंड भी इसमें कौन आ गया या येबियम ये लेंथेनम और आपका एक्टिनम इसमें कौन आ गया जिंक आ गया कैडमियम आ गया और मरकरी आ गया क्लियर तो यहां पे देखो इनका कॉन्फिगरेशन क्या होता है इसका देखो आर्गन 3d एक मिनट खाली पेज तो यहां नहीं है एक मिनट दोबारा से देखते हैं ठीक है तो ये हो गया फिर देखो इसके अंदर अपन बात करते हैं कि इसकी थर्ड बी की है मैंने एक्सेप्शन पढ़ रहे थे थर्ड बी स्केंडियम येट्रिबियम लेंथेनम और एक्टिनम। क्लियर यहां से देखा जाए तो इसका कॉन्फिग्रेशन क्या होता है आर्गन 3d1 4s2। इसका क्या होता है क्रिप्टोन 4d1 5s2। इसका क्या होता है जीनोन डी वन सिक्स एच टू इसका क्या होता है रेडोन सिक्स डी वन सेवन एच टू तो देखो अगर ये तीन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें, देखो ये तो इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन मिल जाएगा और इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन मिल जाएगा तो वो हाईएस्ट स्टेबल होता है इसलिए हमेशा प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं तो थर्ड डी ब्लॉक में थर्ड भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देता ऐसे ही मैं सेकेंड वी की बात करूं जिंक कैडमियम और मरकरी कितने नंबर पे आता है ये थर्टी पे आता है ये फोर्टी एट पे आता है और ये एट्टी पे आता है इसका कॉन्फिग्रेशन वही आर्गन थ्री डी टेन फोर एस टू इसका क्या आ जाएगा क्रिप्टॉन फाइव डी टेन फोर डी टेन सिक फाइव एस टू फिर आपका आ गया मरकरी तो इसका क्या हो जाएगा जीनोन फोर ए फोर्टीन फाइव डी टेन सिक्स एस टू तो इसमें क्या होता है ये सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन निकालता है फिर ये स्टेबल कॉन्फिग्रेशन है ये भी दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा ये स्टेबल कॉन्फिग्रेशन है ये भी दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा ये स्टेबल कॉन्फिगर ये प्लस टू ये प्लस टू और ये प्लस टू तो ये वेरिएबल नहीं देते लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है मरकरी मरकरी में क्या होता है ये प्लस वन भी दे देता है और जब ये प्लस वन देता है ना तो ये दूसरे मरकरी प्लस वन के पास एक इसके जो डायमर को स्टेबिलिटी होती है ना बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी निकलती है वो इसके डायमर को स्टेबिलिटी दे देती है तो याद रखो डी ब्लॉक वाले वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं उसका रीजन क्या है एन माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन और एन एस इनकी क्या होती है एनर्जी डिफरेंस कम होती है इसलिए दोनों ही बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देना मेन प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक की उसमें एक्सेप्शन आ गया सेकंड भी ये वेरिएबल नहीं देता है क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन निकालते ही स्टेबल हो जाता है सेकंड भी सेकंड भी में सिर्फ एक मरकरी होता है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देता है जब ये प्लस वन देता है तो इसका डायमर फॉर्मेशन हो जाता है डायमर में जो बॉन्ड बनता है वो ही एनर्जी रिलीज करता है जो इसके डायमर को स्टेबिलिटी दे देता है बाकी ये भी वेरिएबल नहीं देते क्योंकि स्टेबल कॉन्फिग्रेशन मिल जाता है दो इलेक्ट्रॉन निकालते ही। तो हमेशा प्लस टू देंगे हमेशा प्लस थ्री देंगे तो वेरिएबल सिर्फ कौन दे रहा है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स नेक्स्ट द मैक्म कोवेलेंसी ऑफ एन एलिमेंट विथ एटोमिक नंबर सेवन एटोमिक नंबर सेवन कौन है नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन की आप देखा जाए तो इसका कॉन्फिग्रेशन हो गया टू फाइव ठीक है इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है फोर कैसे होती है एन टू ओ फाइव ले लो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और ये तो देखो वन टू थ्री फोर कितने बॉन्ड बना रहा है फोर मैक्सिमम फोर या जैसे ये ले लो एन एच फोर प्लस इसमें क्या होता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन 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 तीन अन पेयर थे वो तो ये हो गए और एक इसका लोन पेयर को चला जाता है ये हो गे. तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन फोर इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी होगी फोर हाँ अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता मैक्सिमम तो वो फाइव सिंपल सी चीज है जैसे एन टू है इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइव है कैसे नाइट्रोजन की मान लो एक्स तो दो नाइट्रोजन है टू ऑक्सीजन की माइनस टू होती है इसे कितने फाइव है, है इजगस टू जीरो तो इस कितना गया? प्लस फाइव सोल्व करके देख लेना राइट right? तो ऑक्सीडेशन स्टेज पूछा जाए तो इसकी मैक्सिमम प्लस फाइव होती है और अगर कोवेलेंसी की बात करें तो मैक्सिमम फोर होती है द फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनथेलिपी ऑफ ए मेटल मेटल के लिए दे रहा है आर फोर नाइन सिक्स एंड फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी ठीक है किलोजूल मोल इनवर्स रेस्पेक्टिवली मतलब एक मेटल है जिसकी दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज दी जाती हैं एक चीज हमेशा ध्यान रखो जब भी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल कॉन्फिग्रेशन से इनट गैस कॉन्फिगुरेशन से ज्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी अब नॉर्मली इंक्रीज होती है तो इसको देख के पता चल रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी अब नॉर्मली इंक्रीज हुई है इसका मतलब आपकी वैलेंसी इसकी प्लस वन होगी मेटल की क्लियर तो ये हो गया हाउ मेनी मोल्स ऑफ एस सी एल एंड एस टू एसपेक्ट विलेड टू द मेटल ऑर्डर हाइड्रोक्साइड तो आपका मेटल यह और इसका हाइड्रोक्साइड बनाओ तो इसकी भी वन होती है तो ये टाइप का मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा नहीं बन जाएगा तो वन मोल मेटल हाइड्रोक्साइड ले लिया अब ये कह रहा है कि इसको क्या करेंगे इससे कंप्लीटली रिएक्शन करवाने के लिए एस सी एल के कितने मोल चाहिए तो एस सी एल से रिएक्शन करवाओ तो क्या बन गया एम सी एन मोलो एल एन टी तो है ना और एच टू कहने का मतलब अगर इसका वन मोल है तो इसका भी देखो वन मोल ही चाहिए कंप्लीटली बैलेंस रिएक्शन हो गई कि नहीं होगी तो वन मोल से काम चल जाएगा तो एस सी एल का करने के लिए चाहिए मोल की बात करूं प्लस तो कैसे डिसोसिएट होता है पहले ये देख लो टू एच प्लस प्लस एसओ फोर माइनस टू और ये एम प्लस है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा एम टू एसओ फोर प्लस एच टू बैलेंस करें यह बन गया तो देखो जब इसका टू मोल था तो इसका कितना चाहिए वन मोल चाहिए साफ साफ पता चल रहा है ना और अगर इसका वन मोल लोगे तो इसका कितना चाहिए सिर्फ जीरो पॉइंट फाइव चाहिए सिंपल सी चीज है तो अपना आंसर क्या आ जाएगा यह yeah, सेकेंड भाई इसके दो मोल के साथ इसका वन मोल रिएक्शन करता है तो अगर इसका एक मोल ही ले लिया तो इसका कितना चाहिए आधा मोल चाहिए जीरो पॉइंट फाइव मोल चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑक्सीकारक क्षमता का बढ़ता हुआ सही क्रम है देखो ये हेलोजन फैमिली है सेवनटीन ग्रुप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन जनरली तो आपका क्या होता है ई ए पे डिपेंड करती है ऑक्सीडाइजिंग पावर तो उस हिसाब से तो जिसकी ई ए ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा तो ये इतना था तो ठीक है अब ये लग रहा है कि फ्लोरीन से ज्यादा इसकी हो जानी चाहिए लेकिन अपन ने थोड़ी देर पहले स्टडी की थी कि इसकी क्या होती है लो बॉन्ड डिवाइडेशन एनर्जी और इसकी हाई बॉन्ड डिवाइडेशन एनर्जी क्लियर फिर इसका क्या होता है हाई हाइड्रेशन एनर्जी और इसकी लो हाइड्रेशन एनर्जी क्लियर इसकी लो ई ए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है और इसकी हाई ई ए इसकी ई ए ज्यादा होती है ये तो ऑर्डर आ ही गया अब इनमें देख रहे हैं बंदो तो। ठीक है तो एक चीज का ध्यान रखना ऑक्सीडाइजिंग पावर की मैं बात करूं उसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो चाहिए आपकी कम ठीक है ये चाहिए आपकी ज्यादा और हाइड्रेशन एनर्जी भी चाहिए ज्यादा तो एक तो इसके लिए फेवरेबल है कौन सी चीज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और दो फेवरेबल है किसके लिए फ्लोरीन के लिए तो टोटली इनका जब नेगेटिव देखा जाएगा तो फ्लोरिन की ज्यादा नेगेटिव मिलेगी इसका मतलब ये ऑर्डर आ जाएगा ऑक्सीडाइजिंग पावर का तो सबसे ज्यादा तो किसकी होगी फ्लोरिन की फिर क्लोरीन की फिर सबसे ज्यादा तो हो गई फ्लोरिन की आयोडीन फोर्थ ऑप्शन इसका आ जाएगा क्लियर तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 55 इन द दैरिडिक टेबल द मेटेलिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट्स सारणी में तत्वों के धात्विक गुण धात्विक गुण की बात कर रहा है तो सिंपल सी चीज मेटेलिक करेक्टर कौन से होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर क्या हो ज्यादा हो तो अपने टेबल की बात करें अगर एल टू आर चलते हैं तो एल टू आर चलते हैं तो क्या होता है साइज डिक्रीज साइज डिक्रीज होने का मतलब है आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज और आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब है मेटेलिक करैक्टर जो है आपके वो क्या हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं इसी प्रकार नीचे चलेंगे टॉप टू बॉटम में तो साइज क्या होती है इंक्रीज साइज इंक्रीज होने का मतलब इस से, जो है, वो भी होंगे इंक्रीज मतलब मेटेलिक करेक्टर आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्स चले जाएंगे तो पहला कह रहा है डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड एंड ऑन डिसेंडिंग ए ग्रुप ये कह रहा है कि अगर सारणी में पेरिडिक एल टू आर चलते हैं ना तो भी डिक्रीज होते हैं और डिसेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे चलते हैं ग्रुप में मतलब वर्ग में टॉप टू बॉटम तो भी डिक्रीज होते हैं तो अपन ने देखा इधर तो माना कि डिक्रीज होते हैं लेकिन नीचे इंक्रीज होते हैं तो फर्स्ट तो गया डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट बिल्कुल डिक्रीज होंगे तथा एक्रॉस ए पीरियड फिर क्या डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एक्रॉस ए पीरियड एंड इंक्रीज़ ऑन डिसेंडिंग ग्रुप और नीचे जाने पर इंक्रीज होंगे बिल्कुल सेकेंड वाला ऑप्शन अपने को मिल गया आगे वैसे पढ़ने की जरूरत है नहीं क्लियर क्योंकि एक ही थीम पे धातुओं में से किसकी ऑक्सीकरण संख्या एक से अधिक है तो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल किसकी प्रॉपर्टी है भाई, तो डी ब्लॉक कौन है एफ ई प्लस थ्री सिंपल सॉरी एफ कौन सी देता है ये प्लस थ्री भी, भी देता है प्लस फोर प्लस फाइव प्लस तक देता है लेकिन इसकी ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन प्लस और प्लस और है नेक्स्ट क्वेश्चन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग आयनिक करेक्टर इज आयनिक गुण का सही बढ़ता हुआ क्रम है सबसे पहले तो देखो ये एक ही ग्रुप के है कौन से ग्रुप के है सेकेंड ए क्या पहले कौन आता है बेरिलियम फिर मैग्नीशियम फिर कैल्शियम फिर स्ट्रॉनशियम फिर बेरियम अब एक चीज का ध्यान रखना आयोनिक के लिए आयोनिक करेक्टर मान लो या आयोनिक बॉन्ड के लिए बेस्ट कंडीशन बेस्ट कंडीशन क्या होती है लार्ज केटाइन लो आयनाइजेशन एनर्जी स्मॉल ए नाइन हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यह कंडीशन तो देखो ए नाइन तो सब में सेम है तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे फिर लार्ज केटाइन या लो आयनाइजेशन एनर्जी तो देखो बेरिलियम से बड़ा कौन है मैग्नीशियम मैग्नीशियम से बड़ा कौन है कैल्शियम कैल्शियम से बड़ा स्ट्रॉनशियम अगर आयनिक की बात करें तो आयनिक में भी साइज का ऑर्डर क्या आ जाएगा यही आ जाएगा लो आयनाइजेशन एनर्जी नीचे साइज इंक्रीज हो रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी उनकी कम है। मतलब इजी गोइंग वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करती है और आपके क्या बनाती है केटइन भी बनाती है तो नीचे की तरफ जाने पर आयनिक करेक्टर बढ़ेंगे तो बेरिलियम से ज्यादा आयनिक मैग्नीशियम मैग्नीशियम से ज्यादा आयनिक कैल्शियम और कैल्शियम क्लोराइड से ज्यादा आयनिक क्लोराइड फर्स्ट आंसर हो जाएगा कोवेलेंट के लिए लेंगे इससे उल्टा हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इन द मोस्ट इज करेक्टरिस ऑफ एल्केलाई मेटल्स निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विनयासार्य धातु के बाह्यतम कक्ष का लाक्षणिक है मतलब कि एल्कलाई मेटल्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला चाहिए देखो एस ब्लॉक एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन वो क्या होता है एन एस वन टू अब इसमें भी दो है एक तो फर्स्ट जिनको कहा जाता है एक सेकेंड है जिनको अर्थ मेटल का आ जाता है। तो इनका तो होता है एन एस वन और इनका होता है एन एस टू ऐसा ऑप्शन भी तो है नहीं फिर थोड़ा और पीछे चलते हैं इनके अंदर दूसरा ये कह सकते हैं कि एन माइनस वन एस पूरा बढ़ावा होता है पी भी पूरा बढ़ावा होता है फिर आपका जो एन एस आता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा क्लियर ऐसा कौन सा है आपका ये। क्लियर अगर आप इसके साथ जाना चाहोगे तो जब भी एनपी प्रेजेंट होता है वो हमेशा पी का हो जाता है तो ये तो पी ब्लॉक का कॉन्फिग्रेशन है एनपी प्रेजेंट है यहां पर मतलब एन एस टू एन पी वन टू सिक्स एन पी आने का मतलब है वो हमेशा ही पी ब्लॉक का तो एन पी आ गया ये पी ब्लॉक का है फिर इसको देखिए तो हमेशा ध्यान को एन माइनस वन डी में टू से टेन है एक एन माइनस वन डी में वन से टेन है और एन एस वन टू है और एन माइनस टू है तो वो डी ब्लॉक है तो एन माइनस वन एस टू पी सिक्स डी टेन एन एस वन ये ब्लॉक इसको फॉलो कर रहा है किलियर? और इसकी बात करें तो ऐसा तो किसी का नहीं होता एन एस एन पी एन डी कभी भी नहीं भरा जाता ये हमेशा एन माइनस वन डी फिलअप होता है तो अपने को तो एस मेटल का देखना था वो कौन सा है आपका थर्ड आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लोरीन फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट हैज फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीकारक है ठीक है तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन बंधुता की वजह से तो कौन होगा क्लोरीन रीजन क्या है फ्लोरीन और यह आपका क्या है क्लोरीन अपन ने पहले पढ़ा है कि इसकी स्मॉल साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन टू पी फाइव में है और इसमें इलेक्ट्रॉन थ्री पी में एंटर करने वाला है ये लार्ज साइज है यहां एडिशनल इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्सन कम मिलता है यहां एडिशन इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्सन ज्यादा तो ई ए का ऑर्डर देखें तो इसका ज्यादा होगा तो ये तो गया फिर ये कह रहा है हाई रिडक्शन पोटेंशियल नीचे की तरफ जाते हैं तो इसी एस में रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका रिडक्शन आसानी से हो जाता है जिसका रिडक्शन अच्छा हो जाता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ईसीएस में सबसे नीचे कौन होता है फ्लोरीन होता है अगर ईसीएस की अगर अपन बात करें तो ईसीएस में हमेशा ध्यान रखो क्या होता है जैसे लिथियम आ गया ठीक है ये देखो इसी इस में क्या होता है नीचे की तरफ चलने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका सबसे कम है नीचे जा रहे हैं तो बढ़ रहा है ये 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 नीचे की तरफ है सारा फिर ये, फिर ये, ये ऐसे सबसे लास्ट में कौन आया फ्लोरीन इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है और ऑक्सीडाइजिंग पावर रिडक्शन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है ऑक्सीडाइजिंग पावर रिडक्शन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और ऑक्सीडेशन पावर के इनवर्सली और रिड्यूसिंग पावर है रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्सली और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है तो फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है यह गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो लो होने का मतलब है ऑक्सीडाइजिंग नेचर अच्छी थोड़ी होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा चाहिए तो ये भी गया तो आपका आंसर कौन सा आएगा इसमें सेकंड ये क्वेश्चन पहले पूछ सका था वो अलग तरीके से था डिसोसिएशन अगर उस ऑप्शन में हाइड्रेशन एनर्जी होता तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से भी ज्यादा आंसर को देते किसको हाइड्रेशन एनर्जी को क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से मैक्सिमम नेगेटिव हो पाता है डेटा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द दीकेस्ट बेस तो एक चीज का ध्यान रखना भाई वीकेस्ट बेस हमेशा ध्यान रखना बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है तो देखो ये डी ब्लॉक आ गया एस ब्लॉक से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है डी ब्लॉक की क्योंकि उनकी साइज स्मॉल होती है क्लियर इस वजह से उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो उनकी बेसिक स्ट्रेंथ कम है तो आपका आंसर जाएगा फोर्थ बाकी इनमें से देखना चाहें तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी पोटेशियम की है तो स्ट्रॉन्ग सबसे यह है उसके बाद में साइज किसकी होती है सोडियम की देख लेते हैं लिथियम सोडियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम तो बिल्कुल आयनाइजेशन एनर्जी से बात करेंगे तो सोडियम की कम है तो पहले तो सोडियम का होगा सबसे ज्यादा बेसिक तो ये हो गया कम आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से फिर ये हो गया फिर उसके बाद में ये हो गया और सबसे कम हो गया अपनी हाई आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से जिंक हाइड्रोक्साइड नेक्स्ट क्वेश्चन द पेयर ऑफ एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड इज उबेदर में हाइड्रोक्साइड तो आपको पता है एल्यूमिनियम मैंने क्या कहा था बेरिलियम एल्यूमिनियम टिन लेड और जिंक ये एम्पोटेरिक है इनके ऑक्साइड भी एम्पोटेरिक है एल टू ओ थ्री एस एन ओ या एस एन ओ टू पी बी ओ ले लो या पी बी ओ टू और जेड एन ओ टू सॉरी जेड एन ओ क्या लगा रहा हूं जेड एन इनके हाइड्रोक्साइड भी एम्पोटेरिक है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड टिन का ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है लेड का हाइड्रोक्साइड ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है जनरली ये होता है और जिंक का ये एम्पोटेरिक हो गई इनके अलावा ऑक्साइडों में तो और भी होते हैं अगर ऑक्साइडों की बात करें ना गैलियम का ऑक्साइड भी आपका एम्पोटेरिक होता है इसके अलावा आर्सेनिक का ऑक्साइड एम्पोटेरिक होता है एंटीमनी का ऑक्साइड होता है। क्लियर? ऑक्साइडो में ये और तो यहां से आ जाओ हाइड्रोक्साइड है की बात कर रहा है। ये है, लेकिन ये बेसिक आ गया ये आपका कैसा आ गया एम्पो ये एसिडिक आ गया ये कैसा आ गया एम्पो एम्पोटेरिक एसिड कैसे नॉन मेटेलिक है नॉन मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड हो क्या होते हैं आपके एसिड होते हैं फिर ये आपका क्या आ गया एम्फोटेरिक ये आपका कैसा आ गया बेसिक फिर ये आपका कैसा आ गया एम्फोटेरिक और ये भी आपका कैसा आ गया एम्फोटेरिक सब सब पता चल रहा है ना ये देखो एम्फोटेरिक ये रहा एम्फोटेरिक तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा फोर्थ आ जाएगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेजमेंट द ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग टू टू द प्रोपर्टी इंडिकेट इंडिकेटेड अगेंस्ट इट में से कौन सा व्यवस्थित क्रम उनके दर्शाए गए गुणों के अनुसार नहीं है सिर्फ मैच करना है कर लेते हैं आई सो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज अपने पिछली क्लास जो पहले क्वेश्चन डिस्कस किया एल्यूमिनियम प्लस थ्री मैग्नीशियम प्लस टू सोडियम प्लस और फ्लोराइड ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है टेन इलेक्ट्रॉन इसमें है टेन इलेक्ट्रॉन इसमें है टेन इलेक्ट्रॉन इसमें है और टेन इलेक्ट्रॉन इसमें और आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में क्या होता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे जेड इफेक्ट बढ़ता है जेड इफेक्ट बढ़ता है तो साइज डिक्रीज होती है क्योंकि आपकी जो साइज है वो जेड इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है तो ये थर्टीन है ये ट्वेल्व है ये आपका इलेवन है और ये 9 है तो साइज का ऑर्डर कौन सा आ गया ये कम हो रही है ना एटोमिक नंबर बढ़ने पर साइज तो साइज का ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर है क्या साइज का बिल्कुल सही ये स्टेटमेंट करेक्ट है आपको तो इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना है क्लियर नेक्स्ट की तरफ चले बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथिली फर्स्ट आयनाइजेशन एंथिली का ऑर्डर है क्या ये देख लेते हैं तो आप यहां पे आ जाओ तो पहला तो गया सेकंड की तरफ सॉरी पहला तो सही है इनकरेक्ट देखना है ना तो पहला तो सही है सेकंड की बात करें बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो देखो एक ही ग्रुप पीरियड के हैं बोरॉन के बाद में कार्बन है कार्बन के बाद नाइट्रोजन है नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है तो इधर जा रहे हैं साइज कम हो रही है साइज कम हो रही है उस हिसाब से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए इंक्रीज होनी चाहिए लेकिन यहां पे आ जाओ ये टू पी थ्री ये टू पी फोर नंबर सेवन एटॉमिक नंबर एट जहां पर एटॉमिक नंबर में एक का डिफरेंस हो और एक हाफ फिल हो और एक अनकंप्लीट हो तो हाँ फिल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है तो यहां पर हाँ फिल स्टेबिलिटी की वजह से आयनाइजेशन आए एनर्जी अब नॉर्मली ज्यादा हो जाएगी से तो क्या बोरौन, बोरौन से कार्बन कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन इसका मतलब यहां तक तो सब ठीक चल रहा था लेकिन ये थोड़ा सा गलत हो गया तो अपना आंसर कौन सा है ये रॉन्ग स्टेटमेंट ही देखना था आगे देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर दे रखा है तो आपको पता है यह कौन से ग्रुप से है सेवनटीन से फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आइडीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साइज के इनवर्सली चलती है लेकिन यह अपनी स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से एडिशनल इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्सन ज्यादा देती है तो इलेक्ट्रॉन जोड़ना थोड़ा मुश्किल है इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है तो ऑर्डर क्या होगा सबसे ज्यादा क्लोरीन फिर फ्लोरीन फिर ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन तो आयोडीन ब्रोमीन फ्लोरीन बिल्कुल सही है फिर मेटेलिक करेक्टर तो मेटेलिक करेक्टर डाउन दी ग्रुप इंक्रीज होते हैं रीजन देखो ये एक ही ग्रुप के हैं लिथियम है सोडियम है पोटेशियम है और रुबीडियम है नीचे की तरफ जा रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रही है और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है जो मेटेलिक करेक्टर के लिए सबसे बेस्ट कंडीशन है तो बिल्कुल मेटेलिक करेक्टर का ऑर्डर यहां पे अच्छा मेटलिक रेडियस पूछ रहा है क्या तो रेडियस की बात करें तो रेडियस इंक्रीज हो रही है साफ साफ दिख रहा है क्यों नीचे की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं जेड ठीक है इस वजह से यहां पर क्या हो रहा है आपका साइज इंक्रीज हो रही है तो यह बात भी सही है इनकरेक्ट ऑर्डर कौन सा आ गया सेकेंड आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है भाई इस टाइप के क्वेश्चनों पर थोड़ा ध्यान रखा करो विच इज नॉट द करेक्ट ऑर्डर फॉर द स्टेट्स प्रॉपर्टी निम्न में से कौन सा क्रम दिए गए गुणों के अनुरूप नहीं है सबसे पहले तो दे रहा है एटॉमिक रेडी एटॉमिक रेडी डाउन दी ग्रुप इंक्रीज होती है तो ये आपका कौन सा आ गया ये आपके सेकंड के हैं मैग्नीशियम देखो कैल्सियम कहा जा रहा हूं एक मिनट बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉनशियम और बेरियम नीचे की तरफ जाते हैं नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है

इसका क्या है टू पी फाइव तो इधर जा रहे हैं तो साइज कम होती है साइज कम होती है तो आयनाइजेशन एनर्जी इनक्रीज होगी इन दोनों में देखें इसका हाफ फिल है और और इसका एटॉमिक नंबर नंबर में में कितने का है? 7 और 8. पर में 1 का डिफरेंस डिफरेंस है है जहां पर होता हाफ फिल में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसकी एनर्जी अपने से जस्ट आगे वाले से ज्यादा हो जाएगी भाई तो ऑर्डर क्या आ जाएगा सबसे कम ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कम नाइट्रोजन नाइट्रोजन से ज्यादा फ्लोरीन तो फ्लोरिन की सबसे ज़्यादा फिर आपकी किसकी है ऑक्सीजन की नाइट्रोजन की मेरे हिसाब से यही गलत हो गया फर्स्ट आइनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो ये यह नाइट्रोजन यहाँ होता तो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट ही देखना था ये हो गया फिर आगे चलो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये आपके कौन से हैं सेवनटीन ग्रुप से फ्लोरिन क्लोरीन ब्रोमिन आता है एक आइडीन आता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी क्या होती है साइज के इनवर्सली तो उसी हिसाब से ये ऑर्डर आना चाहिए और ये सबसे ज्यादा होनी चाहिए लेकिन ये अपनी स्मॉल साइज और टू पी फाइव इलेक्ट्रॉन भी टू पी में आने वाला है जो इस अब क्या है छोटा है तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्सन ज्यादा देता है तो इसकी अब नॉर्मली एफिनिटी कम हो जाती है क्लोरीन से तो ऑर्डर क्या आएगा सबसे ज्यादा क्लोरीन फिर फ्लोरीन फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन ऐसा कहां पर क्लोरीन फ्लोरीन और आयोडीन ये भी सही है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में कोई वेरिएशन नहीं साइज के इनवर्सली इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी साइज के inversely. तो ऑक्सीजन, सल्फर और फिर क्या दिया है भाई सल्फर नहीं दिया सिलेनियम फिर टेलूरियम। तो देखो नीचे की तरफ जा रहे हैं तो साइज क्या हो रही है इंक्रीज इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन फिर सिलेनियम फिर टेलोरियम तो फॉल्स कौन सा आया यहां पे सेकेंड आया ठीक है. है फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरिन इज बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई इसको हिसाब से देखना फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी तो समझ में आ गई होगी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी तो देखो क्या है पहले इनको पेरियडिक टेबल के अनुसार अरेन्ज करो तो सेकेंड पीरियड का दे रखा है सब तो सबसे पहले कौन आता है कार्बन आता है फिर नाइट्रोजन आता है फिर ऑक्सीजन आती है और फिर आपकी आती है फ्लोरीन क्लियर इसका कॉन्फिग्रेशन क्या होता है वो देखो इसका होता है 2p2 इसका 2p3 इसका 2p4 और इसका 2p5 क्लियर अब इलेक्ट्रॉन निकालना है इसमें से यहां इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा यहां इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना है और यहां इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना है तो ये सबके लिए होगी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करे तो ये तो C प्लस में चला जाएगा ये N प्लस में चला जाएगा ये O प्लस में चला जाएगा ये F प्लस में चला जाएगा जैसे ये यहां जाएंगे तो इनका कॉन्फिगरेशन देखो अब इसका कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 2p1 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2p2, इसका कॉन्फिग्रेशन हो जाएगा टू पी थ्री और इसका कॉन्फिग्रेशन हो जाएगा टू पी फोर क्लियर अब इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है अपने को क्लियर तो ये आपकी कौन सी होगी आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड होगी तो फर्स्ट के लिए देखिए एल टू आर चलते हैं तो साइज कम होती है और साइज कम होती है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो कार्बन से ज्यादा आई ई फर्स्ट का ऑर्डर देखे तो कार्बन से ज्यादा किसकी होगी नाइट्रोजन की होनी चाहिए लेकिन देखो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका सेवन और इसका एटॉमिक नंबर एट। यहां इलेक्ट्रॉन हाफ हिल से निकालना है हाफ की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो हाफ हिल ऑर्बिटल हो और आगे वाले के साथ एटॉमिक नंबर में सिर्फ वन का डिफरेंस हो तो हाफ हिल वाले की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन से ज्यादा चला जाएगा नाइट्रोजन क्लियर यह वेरिएशन आ गया फिर उसके बाद में कौन बच गया फ्लोरिन तो यहां पर एटोमिक नंबर में क्या हो गया ये नाइन है तो एटोमिक नंबर में टू का डिफरेंस है इससे ज्यादा नहीं जाएगी सिर्फ वन वाले से ही ज्यादा जाएगी। तो फिर आ गया ये तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का ऑर्डर आ गया लेकिन आपको ऑर्डर किसका पूछा है सेकंड का तो आओ इस कॉन्फ़िगरेशन से जाना है तो आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड है सेकंड लिख रहा हूं इसका मतलब कार्बन लिखूंगा और आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट लिखूं तो सी प्लस लिखना पड़ेगा इसका रीजन क्या है क्योंकि इसके लिए तो यह फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है इससे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो आई टू लिखूंगा तो मेरे को कार्बन लिखना पड़ेगा ठीक है तो कार्बन यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा टू पी वन से इधर जा रहे हैं तो वही साइज स्मॉल होती जा रही है इससे ज्यादा किसकी होगी नाइट्रोजन की फिर ये देखो ये हाफ फिल कॉन्फिगरेशन आ गया फिर से इसका एटॉमिक नंबर एट है इसका नाइन है ध्यान से समझना हाफ पिल आ गया और एटॉमिक नंबर में वन का डिफरेंस अब आपको हो यहां तो यहां हाफ पिल और इसमें इसमें दो का था। अब हाँ फिल इसका हो चुका है।, अब इसमें 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 का वन का ही है तो यहां पर क्या होगा इससे ज्यादा एनर्जी हो जाएगी इसकी मतलब पहले कौन आएगा फ्लोरिन और फ्लोरिन से ज्यादा चला जाएगा कौन है ऑक्सीजन तो कौन सा ऑप्शन है कार्बन कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन नाइट्रोजन से ज्यादा फ्लोरीन फ्लोरीन से ज्यादा ऑक्सीजन ये आंसर हो जाएगा बात आ गई समझ में बिल्कुल सिंपल सा था नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो ये थोड़ा अच्छा है भाई याद रखना ये सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी अगर पूछता है तो इस सिक्वेंस में जाना तब आंसर मिलेगा हमेशा ध्यान रखो पेनेट्रेशन इफेक्ट हो वेदन क्षमता हो या फिर आपका कॉन्फिग्रेशन हो हाफ़ फिल ऑर्बिटल वाला ये दोनों ही कॉन्फिग्रेशन को देख के डिसाइड होते हैं कभी ये नहीं कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन में लगता है इस कॉन्फिग्रेशन में लगता है पी थ्री और पी फोर में पी थ्री पी फोर अभी यहां आ गया तो पी थ्री की पी फोर से ज्यादा हो जाती है ये याद रखो बस क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट आयनाइजेशन है पोटेंशियल

हाफ फिल ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी कहाँ अप्लाई होती है P3 में पी फोर में तो ये 2P3 2P4 तो हाफ फिल होने से इसके आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो ऐसा डेटा देख लो जो इसके लिए बड़ा दे रखा हो इसके लिए छोटा दे रखा हो तो देखो वो पहले ले ले 14.6 14.6 13.6 13.6 13 तो इसकी 14.6 और इसकी 13.6 क्या सिक्स क्या को सेट हो रहा है बिल्कुल सेट हो रहा है और ये बड़ा है बड़ा तो ये आंसर हो जाएगा सिंपल सा यहां देखो इसका थर्टीन पॉइंट सिक्स तो ऐसे तो ये बड़ा वैल्यू है लेकिन इसका तो तो वैल्यू छोटा है ये नहीं होगा वैसे ये दोनों इक्वल दे दिए इक्वल मैंने बताया ही नहीं और ये भी इक्वल इक्वल दे दिए इक मैंने बताया नहीं तो डेटा दे के कंफ्यूज नहीं होना है पीरियडिक टेबल में डेटा यूं ही देता है आपको सिर्फ सीक्वेंस पे जाना है नेक्स्ट एटोमिक रेडियो फ्लोरीन एंड नियोन इन एंग यूनिट आर रेस्पेक्टिवली गिवन बाय आपको फ्लोरीन और नियोन की एटॉमिक रेडी दी गई है और सीक्वेंस बताना है टोटल कंफ्यूज कर रहा है डेटा देके कुछ नहीं करना है देखो आओ समझो सबसे पहले मैं बात करता हूं कोवेलेंट रेडी कोवेलेंट रेडी में क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है ये और ये और लैप हो गई ये इंट्रान्यूक्लियर डिस्टेंस आ गई इंट्रान्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ होता है वही आर कोवेलेंट रेडी है तो यहां पे एक्चुअल रेडी तो ये है ये आर एक्चुअल तो यहां पे साफ साफ पता चल रहा है आर कोवेलेंट छोटी है किससे आर एक्चुअल रेडी से क्लियर दूसरी रेडी होती है एक मेटेलिक रेडी मेटेलिक रेडि में क्या होता है देखो एटम से एक दूसरे के टच में होते हैं वहां ओवरलैपिंग होती है यहां सिर्फ टच में ये इनकी इंट्रा डिस्टेंस हो गई और इसका हाफ ये है r मेटेलिक तो यहां पे पता चल रहा है r एक्चुअल और r मेटेलिक ऑलमोस्ट सेम है तो आप यहां पे कह सकते हो r कोवेलेंट रेडि है उससे बड़ी होती है r मेटेलिक रेडि क्लियर फिर उसके बाद में एक होती है वाल रेडी वॉन्डरवाल रेडी में क्या होता है जैसे मान लो ये नियोन का आइटम है ये दूसरा नियोन का आइटम है दूर है ये, ना तो ओर होते हैं ना कॉन्टेक्ट में आते हैं ये इनकी इंट्रान्यूक्लियर डिस्टेंस हो गई और ये इंट्रान्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ हो गया आर वॉन्डरवॉल रेडी क्लियर तो आर एक्चुअल तो ओवरलैपिंग होने से छोटी हो जाती है इतनी होती है जबकि आर वंडर इतनी है मतलब कि जो आर कोवेलेंट रेडी है उससे जस्ट आपकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल होती है आर वंडर वाल रेडी ये आपको याद रखना है तो ऑर्डर क्या हो गया आर कोवेलेंट इससे बड़ी आर मेटेलिक और उससे बड़ी आर वॉन्डरवॉल और एक रिलेशन और हो गया आर वॉन्डरवॉल ऑलमोस्ट डबल होती है आर कोवेलेंट से तो देखो फ्लोरीन है इसकी तो कोवेलेंट रेडी और नियोन है इसकी आर वॉल रेडी मेजर होती है इनर्ट गैसेस होती है ये कोवेलेंट बॉन्ड तो बनाती नहीं फ्लोरीन आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो इसकी कोवेलेंट रेडी मेजर होती है इसकी वॉन्डरवाल रेडी तो ये लार्ज साइज होगी इसकी और ऑलमोस्ट डबल साइज होता है तो देखो ये जीरो पॉइंट सेवन टू और ये डबल से थोड़ा कम है कौन सा वन पॉइंट सिक्स टू लार्ज साइज दिखा रहा है तो यही आपका आंसर है हो गया इनमें दोनों में सेम दिखा रहा है तो ये हो नहीं सकता इसके बाद में अपन बात करें यहाँ सेम दिखा रहा है ये हो नहीं सकता तो इनमें से कोई नहीं ऐसे तो कोई बात है नहीं ये आपका प्रूव कर रहा है आपकी चीज को तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट अरेंज सल्फर ऑक्सीजन एंड सिलेनियम इज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर, ऑक्सीजन तथा सिलेनियम की इलेक्ट्रॉन बंधुता का कर्म होगा तो देखो ऑक्सीजन हो गया सल्फर हो गया सिलेनियम हो गया मैं तो कहता हूं टेलोरियम हो गया क्लियर तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो साइज के साइजर्सली होती है तो नीचे जा रहे हैं तो साइज क्या हो रही है इनक्रीज उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए डिक्रीज लेकिन ये अब नॉर्मली सबसे कम हो सकता वही है स्मॉल साइज है और वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन के लिए हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से रिपल्सन क्रिएट करता है तो इसकी इलेक्ट्रॉन एमिटी अब नॉर्मली कम हो जाती है तो सबसे कम तो ऑक्सीजन की फिर उसके बाद में किसकी सिलेनियम की और सबसे ज्यादा सल्फर की आपका फर्स्ट आंसर ही यहां पे करेक्ट हो गया क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दी साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज पोटेशियम कैल्शियम क्लोराइड एंड सल्फाइड अगले ने पहले ही बोल दिया आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज पूरा लफड़ाई खत्म कर दिया आ जाओ सल्फाइड फिर आता है क्लोराइड फिर कैल्शियम प्लस टू और फिर सॉरी फिर पोटेशियम प्लस और फिर आपका कैल्शियम प्लस टू आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में एक चीज हमेशा याद रखो जेड इंक्रीज साइज डिक्रीज, क्योंकि इंक्रीज होगा जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा ना तो जैसे, जैसे बढ़ता है, तो इसका देखो 16 होता है इसका 17 होता है इसका 19 होता है इसका, होता है, इसका 20 होता है तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे साइज डिक्रीज होती जाएगी आपको करेक्ट ऑर्डर देना है वो भी डिक्रीजिंग तो सबसे बड़ा कौन आ जाएगा सल्फाइड फिर क्लोराइड फिर पोटेशियम फिर कैल्शियम प्लस टू आपका फोर्थ आंसर हो गया राइट नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सीओ टू सी ओ सी एस टू मतलब आपको यहां क्या करना है एसिडिटी का ऑर्डर पहचानना है तो यहां पे देखो ये तो हो गया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड टेलिक ऑक्साइड तो सबसे एक तो ये हो गया एसिडिक नेचर का फिर ये दोनों मेटेलिक ऑक्साइड है इसका मतलब ये कैसे हो गए बेसिक नेचर के फिर इसमें से भी ये ब्लॉक का है और ये आपका एस ब्लॉक का है और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी तो डी ब्लॉक किस एलिमेंट की साइज क्या होती है स्मॉल होती है तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है और आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है तो उनकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है सॉरी

इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये आपके एआईपीएमटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है मैंने क्या कहा पेरेडिक टेबल में डेटा सिर्फ बनाने के लिए देता है बनना नहीं है आ जाओ कोई भी एक मेटल है मान लो एम या कोई भी एलिमेंट है एक्स ठीक है ये एक एलिमेंट हो गया एक्स तो ये जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्लियर तो वो हो गई आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी गैस या परमाणु मतलब गैस या आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है अब इसी में अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी ई ठीक है।, है तो ये पहले वाली प्रोसेस का क्या है जस्ट इनवर्स है इसका मतलब जितनी एनर्जी यहां देनी पड़ रही थी इस बार उतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी मतलब आई ई और ये दोनों इक्वल है बस फर्क इतना सा है ये पॉजिटिव है और ये आपकी नेगेटिव है सिर्फ साइन का फर्क है तो आ जाओ यहां पे सोडियम है सोडियम प्लस में जाएगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या दे दी 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्लियर अब वापस इधर लेके आना है वो इलेक्ट्रॉन गेन हो गई तो वो हो जाएगा ये आपका या इलेक्ट्रॉन गेन एन भी वह आपकी क्या आ जाएगी माइनस फाइव पॉइंट वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड आंसर हो जाएगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन द आयनिक रेडी इन अंगस्ट्रॉन्ग नाइट्राइड ऑक्साइड और फ्लोराइड कंफ्यूज नहीं होना है आयस इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है डेटा नहीं देख के कंफ्यूज नहीं होना थ्री माइनस और टू माइनस ए माइनस आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है तो एटॉमिक नंबर लिख लो बस इनका सीधा सा इसका सेवन है इसका एट है इसका नाइन है एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो साइज डिक्रीज होती है तो सबसे बड़ा डेटा तो इसका होना चाहिए तो इसका देखो 1.36 फिर 1. इसका बड़ा दे रहा है ना ये तो गया इस वजह से गया इसका 1.16 इसका 1.7 ये भी गया इसका बड़ा डेटा दे दिया बिल्कुल से इससे कम हो गया 1.46 और ये सबसे कम हो गया ये डेटा एकदम परफेक्ट है ये फिर ये भी सही था फिर अचानक से इसका फिर इससे थोड़ा लार्ज कर दिया लेकिन ये वाला डेटा इसकी वजह से कैंसिल हो गया इसका मतलब आपका थर्ड आंसर हो जाएगा राइट नेक्स्ट क्वेश्चन वेन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एन थे ऑक्सीजन इज माइनस वन फोर वन किलोजूल इट्स सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी इज यदि ऑक्सीजन की प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी का मान है माइनस -141 किलो जूल मोल है तो इसकी द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान है तो देखो पहली इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी एक्सोथर्मिक है दूसरे वाली हमेशा ही एंडोथर्मिक दूसरे वाली धनात्मक आई इसका रीजन क्या है देखो ये x है इसमें आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो ई वन लग गई एनर्जी एक्स माइनस में चला गया फिर से आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो ये ए नाइन है ये इलेक्ट्रॉन है एडिशनल इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्सन होगा ये ई टू है ये आपकी कैसी आएगी पॉजिटिव आएगी यह कैसी आएगी नेगेटिव आएगी और एक चीज का ध्यान रखना ई वन से ई टू हमेशा बड़ा होगा पहले के मान के बराबर तो ये तो जरूरी नहीं बराबर क्या ज्यादा ही हो सकता है लेकिन वो पॉजिटिव में होगा इसमें साइन का तो बात ही नहीं किया तो ये तो गया ऋणात्मक लेकिन पहले से कम ना धनात्मक होगी ये लो धनात्मक पहले के मान से और अधिक ऋणात्मक कैसी बात कर रहे हो रिपल्सन हो रहा है भाई ऑप्शन बनाने में तो सोचा करो <laughs> खट्टा देखते हैं नेक्स्ट द एम्पोटेरिक हाइड्रोक्साइड इज सिंपल सा क्या बात करें हुँ? ये कर दें नीट 2019 में पूछा था मैंने अभी बताया था बेरिलियम हाइड्रोक्साइड मतलब है, बेरिलियम जिंक एल्यूमिनियम टिन और लेड इनके ऑक्साइड इनके हाइड्रोक्साइड और इनकी हाइड्रेटेड फॉर्म ऑल एम्फोटेरिक सारे के सारे एम्पोटरिक होंगे तो आंसर अपना कौन सा आ गया बेरिलियम नेक्स्ट क्वेश्चन द एलिमेंट विद z इज इक्वल्स टू 120 नॉट येट डिस्कवर्ड अभी ये डिस्कवर्ड नहीं हुआ है तो विल बी Na वह तत्व जिसका z 120 है जिसकी खोज अभी नहीं हुई है होगा तो देखो ट्रांजिशनल मेटल है तो एक काम करते हैं ना अपन देखते हैं जब अपन बात कर रहे हैं ये आपका फर्स्ट ग्रुप है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक मिनट यहाँ पूरा नहीं आएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट ये भी नहीं आएगा और छोटा करना पड़ेगा भाई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टी फोर्टी फिफ्टी सेवेंटी 80 80 वाली इनर्ट गैस बना लो भाई हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जीनोन रेडॉन। अभी ये डिस्काउंट नहीं इसका कितना होता है टू इसका कितना होता है टू टेन एटीन थर्टी सिक्स फिफ्टी फोर एट्टी सिक्स फिर आगे इनर्ट गैस और आएगी तो उसका कितना हो जाएगा वन ऐसा कैसे पता चला ये रहा आपका पता है इसके अंदर क्या होता है जिंक इसमें देख लेते हैं दोबारा से देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन और एटीन कौन है हीलियम है। एटीन वाली की बात कर रहा हीलियम ही है Neon है, आर्गन है क्रिप्टॉन है जिनोन है रेडोन है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा टू टेन एटीन थर्टी सिक्स फिफ्टी फोर और 86। सिक्स फिर यहाँ पे जो भी आएगी उसका हो जाएगा Z इज गज टू वन हंड्रेड एटीन ऐसा कैसे हुआ तो आप इसको यहाँ से देख लो ये इसमें कौन आता है जिंक आता है आता है, मरकरी आती है और यू यू भी। तो इसका कितना आ गया थर्टी होता है इसका 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 होता 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 है, इसका कितना होता है? 80 होता है, कितना तो और सिक्स वन हंड्रेड एट्टीन फिर डिस्कवर होगा तो वन हंड्रेड नाइनटीन वन हंड्रेड ट्वेंटी किसमें आया इसमें आया ये कौन है सेकेंड है सेकेंड हेंड बोल दो एलकेलाई अर्थ मेटल क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे द आईपीएससी सिंबल फॉर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर है वन हंड्रेड नाइनटीन वुड बी पहले तो ये देखो वन हंड्रेड नाइनटीन कहां होगा एल्लाई मेटल बन जाएगा क्योंकि वन हंड्रेड एटीन क्या है आपका अभी देखा था इनर्ट गैस अब वापस से घूम के एल्के मेटल के पास आ जाएगा वन हंड्रेड नाइनटीन आईपीएस नेमिंग करनी होती है तो एक मेथड होता है इनका जीरो को तो इसमें लिखा जाता है नील से वन को अन दो को बाई तीन को ट्राई चार को क्वाड पांच हो उसको पेंट छ उसको लिखा जाता है हेक्स सात हो उसको लिखा जाता है सेप्ट ऑर्गेनिक वाला मत लेना भाई आठ को यहाँ लिखा जाएगा ऑक्टे और नाइन को यहाँ लिखा जाता है एन एन है ये अब यहां से आओ अब जब भी नाम करते हैं ना तो क्या किया जाएगा जैसे अब इसका लिखना है 119 का तो पहले आएगा 11 को अन से लिखते हैं तो इसका पहला वर्ड ही ले लो अन फिर दूसरा अन और नाइन को किससे लिखते हैं इन से तो क्लियर तो ये क्या हो गया यू ई फोर्थ ऐसे इसका हो जाएगा क्लियर तो ये आपका था केमिस्ट्री पंच का फिफ्टीन पीरियडिक टेबल का फर्स्ट पार्ट पीरियडिक टेबल ऐसे ही आपके पास टोटल बीस पंच आपके पास आएंगे केमिस्ट्री के ठीक है बीस एपिसोड आपके चलेंगे जिसमें आपका जो ऑर्गेनिक का एपिसोड है और का है उसके अंदर सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव क्वेश्चन होंगे और ऐसे ही आपका एक पोर्शन चल रहा है फिजिकल का उसके अंदर आपके पास है इसमें सेवेंटी फाइव सॉरी सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव और आपके फिजिकल वाले में आपके पास होंगे फोर्टी फाइव क्वेश्चन देखो इसमें आपको क्या करना है जैसे आज पेरियडिक टेबल का पंच हो गया तो आपको पता है कि जैसे ही आपके पास डिस्प्ले हो जाए यूट्यूब पे आपको मिल जाए तो आपको सबसे पहले इसको सोल्व करने से पहले होता है आपको उस पूरा चैप्टर को रिवाइज करो चैप्टर जब आप रिवाइज कर लोगे ना तो ये चीजें सारी इजीली समझ में आ जाएंगी और एक चीज का ध्यान रखिए इस पेंडेमिक दौर में सीएल से आपके साथ बिल्कुल कड़ा है ठीक है जब सबने हथियार डाल दिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा उसमें आपके पास है डेली टेस्ट सीरीज लेके आए और जब डेली टेस्ट सीरीज चल रहा है उसके साथ में भी कईयों को प्रॉब्लम है कि कि टोपी रिवाइज नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे ही आपके लिए फिर से अपन ने 75 75 क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं इनऑर्गेनिक के लिए

Okay, thank you.